आइए बढ़ाते हैं एक्शन को आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल जुड़ चुका है हमारे साथ। वक्त है आज की पिक जानने का उन सब से। सुप्रभात सिटी साहब, करिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए बाजार में तो एक दमदार तेजी का माहौल है। कल हमने एक शानदार धुआंधार तेजी देखी है बाजार में, और जिस तरह के सेंटिमेंट से मुझे लगता है ये तेजी अभी जारी रहेगी। तो बिल्कुल खरीदारी करने का ही माहौल है, और गिरावट अगर कोई आती है, जैसे अभी एसजेक्स निफ्टी दिखा रहा है थोड़ी वीकनेस के साथ हम खुले, अगर वैसा मेरा ये मानना है कि हम वीकनेस के साथ खुलेंगे, बट अगर वैसा होता है तो बहुत अच्छा मौका होगा खरीदारी करने का। अनिल जी, जहां तक मेरा आज का पिकअप द डे है वो एक नो ब्रेनर है। मुझे लगता है आइडिया में आज खरीदारी करनी चाहिए अगर मौका मिले तो। जिस तरह से कल सरकार ने जो अनाउंसमेंट्स करे हैं टेलीकॉम सेक्टर को लेके, जो चार पांच बड़े अनाउंसमेंट्स करे हैं, जैसे उन्होंने मॉरिटोरियम को 4 साल मॉरिटोरियम का प्रोविजन किया है, फिर आपके एजीआर जो ड्यूज के कैलकुलेशन में नॉन टेलीकॉम रेवेन्यूज को अलग किया है या उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, 100% एफडीआई इन टेलीकॉम सेक्टर, फिर इंटरेस्ट में छूट दी है, स्पेक्ट्रम टेन्योर को 20 से 30 साल किया, तो मुझे लगता है बहुत ही सीरियस लाइफलाइन इंजेक्ट करी है वोडाफोन आइडिया में। और मुझे लगता है ये कंपनी अगर जिंदा रहेगी तो फिर तो इसके भाव यहाँ से बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो इस स्टॉक में आज के लिए भी खरीदारी करने की सलाह है, और जिनके पास है उनको थोड़े पीरियड के लिए भी रखना चाहिए। और आज का मेरा इसमें टारगेट है 11 रुपए का, थोड़ा एग्रेसिव टारगेट है, 8.5 रुपए का स्टॉप लॉस मेरा। 8.50 रुपए का स्टॉप लॉस, 11 रुपए के टारगेट, आइडिया में खरीदारी करने की राय। व्हाट एन आइडिया सेठी जी, बहुत ही बढ़िया। चलिए, इंटरेस्टिंग स्टॉक आया है सेठी साहब की तरफ से। पालिया साहब, गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मेरा स्टॉक भी आई लेटर से ही है, और इंडसइंड बैंक पे मुझे यहाँ पे बाय करने की सलाह देनी। जिस तरीके से स्टॉक में कल के सेशन में लास्ट 15 मिनट में जो बाइंग एक्शन देखने को मिला है, वो ये दिखाता है कि स्टॉक में जो नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ है 1040 के ऊपर, अब स्टॉक सस्टेन कर रहा है। हमें लगता है इंडसइंड बैंक को यहाँ से बाय करना चाहिए। इसमें हमें लगता है आज के सेशन में टारगेट आना चाहिए 1090 से लेके 1100 तक के, तो 1053 के आसपास कल के कैश की क्लोजिंग है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे 1035 का, टारगेट होंगे 1090 और 1100 तक के, तो इंडसइंड बैंक पे बाय करने की सलाह रहेगी। टेलीकॉम सेक्टर में जो कुछ भी डेवलपमेंट हुए उसका फायदा इंडसइंड बैंक को भी मिलेगा एक्सपोजर के चलते, और उसकी वजह से आइडिया भी बढ़ेगा तो इंडसइंड बैंक भी चढ़ेगा। ये है दोनों स्टॉक दमदार एक्शन में। बंसल जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपने कौन सा शेयर चुना है। सुप्रभात अनिल जी। अनिल जी, मेरा पैकेजिंग का शेयर है, स्टॉक है ईपीएल, पहले एसएल प्रोपेक के नाम से जाना जाता था, अब तो ये एक एमएनसी कंपनी है। पैकेजिंग के शेयर भाग रहे हैं और अब इसका नंबर लगता है 233 का स्टॉप लॉस है, 270 के टारगेट के लिए ईपीएल पर खरीदारी की राय है। तो 44 के आसपास बंद हुआ है, ईपीएल में करें खरीदारी, ये राय आपके लिए बंसल जी की तरफ से। किरण जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका शेयर आज के लिए। अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग, डीप मॉर्निंग। देखिए, कल जाते जाते मैंने बाटा को खरीदारी की सलाह दी थी। मेरा मानना है कि बाटा में अच्छी खासी डिलीवरी बेस्ड बाइंग कल के सत्र में देखने को मिली, तो ये और बढ़त देखने को मिल जानी चाहिए इस काउंटर पे। मेरे टारगेट्स 1875-1880 के रहेंगे आज कल के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 1820 का। इसके साथ साथ अगर कॉल ऑप्शन मैंने जो सजेस्ट किया था 1840 का, अगर बाय किसी ने नहीं किया तो ये भी बाय कर सकते हैं, जो कि 47 के आसपास ट्रेड करता नजर आया, क्लोज होता नजर आया। 39 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट के लिए मैं मानता हूं कि 80 से 85 रुपए के टारगेट आपको देखने को मिल जाने चाहिए इधर कॉल ऑप्शन। बाटा में करें खरीदारी, ये राय है किरण जी की तरफ से। और कुणाल जी की तरफ से क्या है राय, पूछ लेते हैं। कुणाल जी, सुप्रभात। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय है, कल जब बाजार बंद हो रहा था अनिल जी, तब मैंने देखा कि जितने आईटी स्टॉक्स थे उनमें एक जबरदस्त तेजी बनती हुई दिख रही थी। तो एक आईटी स्टॉक जिसमें मुझे एक शानदार तेजी कल के ट्रेड में भी देखने को मिली, और मुझे लगता है कि आज भी बड़ा दमदार मूवमेंट यहां देखने को मिलेगा, वो स्टॉक है एनआईटी लिमिटेड। तो एनआईआईटी लिमिटेड पर खरीदारी की राय है मेरी। यहां पर 325 का एक स्टॉप लॉस रखें, 345 का पहला टारगेट होगा, और मुझे लगता है ये स्टॉक 360 रुपए तक जाएगा, तो एनआईटी लिमिटेड को खरीदारी की राय है।
ओके, कैश मार्केट का स्टॉक आया है कुणाल जी की तरफ से और यहाँ पर खरीदारी करने की राय NIIT लिमिटेड, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं खरीदारी। तो बेहतरीन स्टॉक्स आते हुए दिखे, आइए बढ़ते आगे। अब कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर आज एक्शन भरपूर होने वाला है, इन पर ही राय ली जाए एक बार। आइडिया ये तो पसंद किया है सेठी साहब ने, लेकिन सेठी साहब से कुछ और बेहतरीन पिक्स भी ली जाए। सेठी साहब, आपके वायदा कारोबार की लिस्ट बताइए और कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पे हैं आज। बिल्कुल अनिल जी, पहले तो एक चीज क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि जो मैंने अभी अभी आइडिया रिकमेंड किया, हालांकि मेरे सब स्टॉक्स एफएनओ वाले स्टॉक्स ही होते हैं सुबह के शो में प्री मार्केट, बट आइडिया आज एफएनओ के बैन में है, तो रिटेल निवेशकों को ये ध्यान में रखना है और उनको खरीदारी करनी है कैश मार्केट में इस स्टॉक को, हालांकि ये एफएनओ में ट्रेड होता बट आज बैन में है। जो अनिल जी दूसरा स्टॉक है वो भी एक स्टॉक जो अभी अभी राजेश पालिवा जी ने रिकमेंड किया, इंडसइंड बैंक। अनिल जी आपको याद हो तो लास्ट वीक ट्यूसडे को जब मैं जो 2:30 बजे वाला मेरा सेगमेंट होता है सदाबहार सेठी साहब के शॉर्ट टर्म पिक्स, उसमें आमतौर पे एफएनओ पिक्स नहीं आते, बट उस दिन मैंने एक एफएनओ पिक रिकमेंड किया था और वो इंडसइंड बैंक था, जो कि मैंने 1010 के लेवल पे इसी स्टोरी पे इसी लॉजिक पे दिया था कि अगर टेलीकॉम सेक्टर के फाइनेंशियल सुधरते हैं तो इंडसइंड बैंक को बड़ा फायदा हो सकता है, बिकॉज इनका कुछ 3,995 करोड़ का एक्सपोजर है आइडिया के ऊपर, तो आइडिया की जब सेहत सुधरेगी तो इंडसइंड बैंक को फायदा मिलेगा, तो यहाँ पे खरीदारी करनी है। हालांकि 1010 वाला स्टॉक अब 1060 के आसपास आ गया, बट मुझे लगता है आज इस स्टॉक में 1100 के तक के लेवल्स आने चाहिए, तो यहाँ पे खरीदारी करें। तीसरा स्टॉक अनिल जी मेरा आज का है वो स्टॉक है टाटा केमिकल। ये भी स्टॉक बहुत ही दमदार है, कल हमने लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में एक अच्छा इसमें मोमेंटम देखा, सॉलिड कंपनी है, केमिकल स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये स्टॉक खरीदे। 860 में बंद हुआ, 885 का टारगेट, 850 का स्टॉप लॉस। चौथा स्टॉक वापिस टाटा ग्रुप की कंपनी है टाटा मोटर्स, जो कि कल 312 पे बंद हुआ है। मुझे लगता है जिस तरह से कल ऑटोमोबाइल सेक्टर को PLI स्कीम का एक अनाउंसमेंट किया ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, उसका फायदा होना और विद इन द सेक्टर टाटा मोटर्स अपनी हाइट से अच्छा खासा गिरावट के बाद कंसोलिडेट होकर वापिस से एक अपट्रेंड में आया है, मुझे लगता है इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। और फाइनली मुझे लगता है अडानी पोर्ट्स भी अच्छा करना चाहिए आज, तो अडानी पोर्ट्स में भी मौके मिले तो वहां पर भी खरीदारी करने की सलाह। ओके, तो दमदार रिकमेंडेशन सेठी साहब की तरफ से। एक तो वोडाफोन तो उन्हें पसंद ही है, बड़े टारगेट्स के लिए होल्ड भी कर सकते हैं, साथ ही इंडसइंड बैंक, टाटा केमिकल्स, टाटा मोटर्स और अदानी पोर्ट्स, ये भी सेठी साहब की लिस्ट में है। तो नजर रखते हैं इन सभी काउंटर्स पर, आज एक्शन भरपूर बनते हुए दिखेगा। लुपिन, इस पर भी करना है फोकस, बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। एक पेटेंट केस था इनका, दवाई का केस था जो इन्होंने सुलझा दिया है, करीब 1820 करोड़ रुपए में ये केस सेटल किया है इन्होंने। किरण जी, लुपिन का चार्ट देखें, फार्मा में यूजली एक अंडर परफॉर्मर रहा है, पर अब अच्छी खबर आई है, लुपिन पर थोड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट करना चाहिए, चार्ट्स क्या कहते हैं सर? दीप, जो चार्ट पैटर्न है वो अच्छा खासा है, एक बहुत अच्छी रैली हमने इस स्टॉक में देखी थी 920 से लेके लगभग हजार रुपए के आसपास, और पिछले 5 दिनों में हम एकदम साइडवेज ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, और जिस तरीके से चार्ट पैटर्न है मेरा मानना है कि अपसाइड देखने में मिलेगी। 1000 रुपीज का एक साइकोलॉजिकल और टेक्निकल बैरियर भी है, ऑप्शन बैरियर भी है, तो 1000 के लेवल पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें, अगर 1000 रुपए निकल जाता है तो फिर 1030 पहला टारगेट रहेगा, 1050 दूसरा टारगेट रहेगा, ये पोजिशनली आपको देखने को मिलेगा। लॉन्ग पोजिशन के लिए 982 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, कैश लेवल्स की बात कर रहा था। ओके, तो ये है आपके लिए लुपिन, नजर रखिए 982 तक काउंटर आपको, 982 का सपोर्ट है, बट वहां से आपको अच्छा एक्शन ये काउंटर दिखा सकता है। लुपिन पर तो रहेगी नजर, बट नजर रखनी है आपको ढेरों और काउंटर्स पर जो आज एक्शन में रहेंगे। गैब्रियल इंडिया, कुणाल जी जरा इसके चार्ट पर राय दें। HDFC म्यूचुअल फंड ने 2 दिन पहले 2% हिस्सेदारी खरीदी है और अब 7% उनकी कुल हिस्सेदारी हो गई है, कैसे देखें गैब्रियल इंडिया को सर? देखिए, काफी अच्छा एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़ा है दीपांशु पिछले कुछ दिनों में, और अगर आप इसका डेली चार्ट देखें तो यहाँ एक बुलिश पेनेंट पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, और कल के ट्रेड में हमने इसका ब्रेकआउट भी आता हुआ दिखा, तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए 160 रुपए के लेवल्स आएंगे। 160 जो है वो काफी बड़ी रेजिस्टेंस है, 160 अगर गैब्रियल ने पार किया तो फिर आपको इसमें एक बहुत दमदार मूव आता हुआ दिखेगा। 160 के टारगेट के लिए जिनके पास है बिल्कुल होल्ड करें और एक स्टॉप लॉस रख लें 142 के आसपास। ओके, 142 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं गैब्रियल इंडिया, बढ़िया मोमेंटम में आ सकता है, वैसे 2 दिनों से हम यहां पर अच्छा एक्शन देख भी रहे हैं।
सिटी साहब, हिंदुस्तान कॉपर पर कोई राय सर? दो दिनों में अच्छा एक्शन बना पा रही हो इसलिए क्योंकि ऑफर फॉर सेल आज खुल रहा है, 5% हिस्सा तो सरकार बेच रही है और 5% का ग्रीन शू ऑप्शन भी है और करीब 7% के डिस्काउंट पर है, तो अगर डिस्काउंट पर मिलता है तो हिंदुस्तान कॉपर में खरीदारी करनी चाहिए सर, क्या राय है आपकी? बिल्कुल दीपांशु, इसमें एक डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। 116 का जो प्राइस ओएफएस का जो प्राइस डिसाइड किया, मुझे लगता है अगर वो प्राइस पे आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली लेना चाहिए। कॉपर पे मैं बहुत बुलिश हूँ, वैसे भी हमने देखा कॉपर के प्राइजेस मल्टी ईयर हाईस पे चल रहे हैं और ये स्टॉक, ये जो कमोडिटी है ये इस डिकेड की कमोडिटी होनी चाहिए। जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो निर्माण में भी कॉपर का जो यूज होता है, मुझे लगता है ये कमोडिटी अच्छा करती रहेगी और हिंदुस्तान कॉपर में ये ओएफएस के बाद जो एक हैंगओवर रहता है आमतौर पे ओएफएस का, वो एक खत्म हो जाने के बाद मुझे लगता है ये स्टॉक वापस से एक तेजी का ट्रेंड पकड़ेगा। मुझे लगता है ये लेवल्स पे हिंदुस्तान कॉपर 116 के आसपास बहुत ही अच्छा बाई होगा और यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। बिल्कुल, तो हिंदुस्तान कॉपर पर रखनी है नजर, आज एक्शन में ये काउंटर आते हुए दिख सकता है। आईटी स्टॉक्स भी एक्शन में रहेंगे और एचसीएल टेक्नोलॉजीज, पालवे साहब जरा इस पर राय दें क्योंकि लगातार पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रही हैं पिछले कुछ दिनों से। आज सीएलएसए ने 1470 का टारगेट दिया है और पिछले कुछ समय की आईटी परफॉर्मेंस देखें तो इस स्टॉक्स ने वैसी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है जैसे बाकी कंपनीज में है, तो क्या एचसीएल टेक में और कैचअप रैली आते हुए देखते हैं सर? जी, काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है और स्टॉक में इस करंट वीक में काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, ऑलमोस्ट 6% के आसपास के गेन इस वीक में हमने देखने को मिले हैं एचसीएल टेक में। और जिस तरीके से डेटा बना हुआ है हमें लगता है ये स्टॉक में 1320-1330 तक की अपसाइड तो यहाँ से कंटिन्यूटी में देखने को मिलेगी। ओवरऑल आईटी सेक्टर ही एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है और हमें लगता है कि बिल्कुल सूनर और लेटर ये स्टॉक 1400 के ऊपर भी आते हुए दिखेगा, लेकिन अभी यहाँ से हम ट्रेडिंग टारगेट 1320-1330 तक के सजेस्ट करेंगे। करंट लेवल से 1245 ये स्टॉप लॉस रखें और लॉन्ग करने की सलाह रहेगी एचसीएल टेक्नोलॉजी में। ओके, तो ये है आपके लिए एचसीएल टेक और बाकी आईटी शेयरों पर खरीदारी करने की राय। एक अच्छी रिपोर्ट एचसीएल टेक पर भी आज आई है। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है फर्स्ट एड की शुरुआत करने का और शुरुआत हर रोज की तरह हेडलाइंस के साथ। सुस्ती के संकेत एसजीएक्स निफ्टी से, लेकिन रहेगी चुस्ती ढेर सारे स्टॉक्स में वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के दमदार एक्शन की बदौलत। तो स्वागत है आप सबका फर्स्ट ट्रेड में, स्वागत है, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और ग्लोबल मार्केट्स कल के बढ़िया रिबाउंड के बाद आज सुबह अगर आप नजर डालेंगे हल्की नरमी आपको आती हुई दिख रही, कोई ऐसी बड़ी मूव नहीं है। एसजीएक्स निफ्टी एकदम सपाट है, सुबह थोड़ी बढ़त दिखा रहा था। डाउ फ्यूचर्स पर रखिए नजर, यहां पर भी एकदम सपाट कारोबार है। और एशिया में आप हांगकांग के बाजार फिर से गिरते हुए देख रहे हैं, कैसीनो स्टॉक्स इस बार यहां पर एक्शन ज्यादा है गिरावट वाला क्योंकि चीन वहां पर सख्ती बढ़ा रहा है। तो थोड़े मिले जुले ग्लोबल क्यूज हैं, बट नजर रखिए ढेरों स्टॉक्स हैं जो एक्शन में आते हुए दिखेंगे। आइए कुछ और स्टॉक्स के बारे में करें हमारे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा और जाने कि अब व्यू क्या बनाना है। सेटी साहब, स्पाइसजेट इंटरग्लोब कोई राय सर? इंटरग्लोब पिछले कुछ दिनों से बढ़िया एक्शन में है, कल तो हमने मैनेजमेंट से भी बात करी, वो बड़े प्लान्स हैं अनलॉक के, आने वाले समय में सब सामान्य हो जाएगा। और स्पाइसजेट के प्रमोटर ने अपने पर्सनल लेवल पर एयर इंडिया के लिए बिड भी डाली है, कैसे देखें ये सारे डेवलपमेंट्स को सर? बिल्कुल, सेक्टर के लिए बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है और जिस तरह से अब वापस से जो एयर ट्रैफिक में एक उछाल देखा गया है जो कि हम जब ट्रेवल करते हैं तब भी देखते हैं, और बाकी इंडिगो ने जैसे बताया कि इनकी कई सारी उड़ानें अब सितंबर में शुरू करेंगे, मुझे लगता है ऑल इन ऑल सेक्टर के लिए बहुत ही पॉजिटिव है और ये अनलॉक की थीम के प्लेस है। मुझे लगता है स्पाइसजेट और इंडिगो दोनों में ही बिल्कुल बने रहने की सलाह है। इंडिगो में थोड़ा उछाल ऑलरेडी आ चुका है तो फ्रेश खरीदारी के लिए गिरावट का इंतजार करना चाहिए, बट ओवरऑल आई एम बुलिश ऑन द सेक्टर, मुझे लगता है यहां से अच्छे अपसाइड आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो नजर रखिएगा यहाँ पर, और एविएशन सेक्टर फोकस में भी है और बढ़िया एक्शन भी बनते हुए दिख रहा है। एक और खबर आ रही है, एयर इंडिया की डेडलाइन कल थी फाइनेंशियल बिड्स डालने की, अब प्रोसेस नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है। आइए वागले साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वागले साहब, गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे क्या रहेगी? दीपांशु गुड मॉर्निंग, अनिल जी गुड मॉर्निंग, मेरा पिक ऑफ द डे रहेगा टाटा मोटर्स। 312 का बंद है, 309 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 321 का टारगेट मेरा है जो आज के दिन में आना चाहिए।
ओके, तो 321 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। टाटा मोटर्स सभी की लिस्ट में आ रहा है, कल क्लोजिंग में भी हमने देखा ढेरों कॉल्स थी आज सुबह, बागले साहब को पसंद है, सिटी साहब ने भी यहां पर आपको खरीदारी की राय दी है। टाटा मोटर्स एक बार फिर से एक्शन में रहेगा। बैम्बिनो एग्रो, इस पर भी रखिए नजर, कंपनी थोड़े बदलाव कर रही है, एक तो नई यूनिट लगा रही है पास्ता बनाने की और साथ ही कुछ एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन को बंद कर रही है क्योंकि प्लांट्स पुराने हो गए हैं। हमारा एसआईपी स्टॉक भी रहा है बैम्बिनो एग्रो। बंसल जी जरा इसका चार्ट देखकर बताएं, 300 के करीब कैसा दिखता है स्ट्रक्चर? दीपांशु 301 रुपए की कल की क्लोजिंग है, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, अच्छी रैली दिखाई थी। 410 से स्टॉक ने करेक्शन दी, बट करेक्शन देखने के बाद काफी अच्छा बेस बना हुआ है और इन स्तरों पर एक अच्छा खरीदारी का कैंडिडेट है। 291 का स्टॉप लॉस है और पहला टारगेट 330-335 का बैठता है, तो बैम्बिनो एग्रो पर खरीदारी की राय है 330 से लेकर 335 के टारगेट के लिए 291 का स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए तो बैम्बिनो एग्रो पर आपको रखनी है नजर, एक्शन इस पर आपको बनते हुए दिख सकता है। एक्शन बनने वाला है कुछ और कैश स्टॉक्स पर भी, एचजी इंफ्रा, यहां पर भी ऑर्डर विन को लेकर खबर है। पालविया साहब, एचजी इंफ्रा के चार्ट को देखें, करीब 1400 करोड़ के दो ऑर्डर जीते हैं इन्होंने, स्ट्रॉन्ग सेटअप है स्टॉक का। और अगर हम देखें तो वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो पिछले 3-4 वीक में कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद जो ब्रेकआउट अब वापस वीकली चार्ट पे देखने को मिला है, तो इसमें अप ट्रेंड की कंटिन्यूटी तो देखने को मिलेगी। और हमें लगता है कि इसमें जिस तरीके से सेटअप है, कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट देखने को मिला वीकली चार्ट पे, तो 680 से 700 तक के इसमें अपसाइड के टारगेट पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकते हैं। जिनके पास भी पोजिशन है या करंट लेवल पे अगर कोई बाय कर रहा है तो यहां से करंट लेवल से 610 के आसपास स्टॉप लॉस रखें, टारगेट होंगे 680 से 700 तक। 680-700 तक के टारगेट के लिए एचजी इंफ्रा में करें खरीदारी, यह है आपके लिए। इस वक्त पिछले 2-4 दिनों में अच्छे मूव में आता हुआ दिखा है और आज अच्छे ऑर्डर मिलने की उम्मीद और खबरें भी उम्मीद है। सुस्त शुरुआत की एसजेक्स निफ्टी को, हमें उम्मीद है चुस्त शुरुआत की, मजबूती की, देखते हैं किसकी उम्मीद ज्यादा सही सटीक और काम की साबित होती है। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में, प्री ओपनिंग सेशन में घंटे की मधुर आवाज आपके कानों में गूंजती हुई, हरे निशान में सेंसेक्स खुलता हुआ 0.5% ऊपर और निफ्टी तो और भी जोश में है भाई, 17700 के भी पार निकलता हुआ 225 अंक ऊपर। लेकिन आपको भी बताया, हमें भी बताया, इतना जोश भी ठीक नहीं और उतनी सुस्ती भी ठीक नहीं जो सिंगापुर में है, इतनी चुस्ती इतनी जोश भी ठीक नहीं जो अभी अभी प्री ओपनिंग सेशन में दिख रही है। 9:07 से 9:08 के बीच में बाजार होंगे सेटल, उस समय हम देखेंगे कहां पर प्री ओपनिंग सेशन सेटल होता है। लेकिन तब तक आइए, कमोडिटी बाजार की भी हो चुकी है शुरुआत और ये सही और सटीक शुरुआत क्योंकि यहाँ पर हो रहे हैं एक्चुअल ट्रेड और स्टॉक मार्केट में है प्री ओपनिंग ट्रेड। तो एक्चुअल ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं कैसी है शुरुआत, बताएं दीप। अनिल जी, जो चुस्ती की आप बात कर रहे थे, थोड़ा कच्चे तेल को भी समझाएं सर, क्योंकि वन वे रैली आती हुई दिख रही है। कुछ समय पहले आपको याद होगा सर, 5000 का लेवल कच्चे तेल ने तोड़ा था लंबे समय बाद, वहां से देखिए 350 रुपए की रैली आपको आ चुकी है। कल शाम भी बड़ा उछाल हमने देखा था, करीब 2.5% का, 1.5 महीने की ऊंचाई पर दाम ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज सुबह भी 1/4% की आपको खरीदारी आती हुई दिख रही है। अमेरिकी भंडारों में अनुमान से ज्यादा की गिरावट हुई है जिसकी वजह से इतना बड़ा एक्शन बना हुआ है। WTI ब्रेंट दोनों पर ही दमदार एक्शन बन रहा है और MCX पर भी देखिए 5350 के ऊपर दाम जाते हुए दिखे हैं। नेचुरल गैस यहां पर भी एक लगातार रैली बनी हुई है, अब 400 के लेवल्स पर दाम आ गए हैं, पिछले एक साल में डबल से ज्यादा यहां पर आपने दाम होते हुए दिखे हैं नेचुरल गैस के, तो वहां पर भी काफी बड़ी तेजी बनी हुई है। गोल्ड एकदम सपाट ट्रेड करता हुआ 46900 के लेवल के आसपास, कुछ बड़ा मूवमेंट वहां पर नहीं हो रहा है। सिल्वर पर रखिए नजर, यहां पर 1/4% की खरीदारी हो रही है, करीब 150 रुपए ऊपर। बेस मेटल्स, हालांकि अनिल जी खबरें ये आ रही हैं कि चाइना के में स्टेनलेस स्टील फ्यूचर्स में बड़ा उछाल आया है, हालांकि आयरन ओर फ्यूचर्स में बड़ी गिरावट है, बट बेस मेटल मार्केट में कोई रिएक्शन इसका नहीं आते हुए दिख रहा है। बल्कि कॉपर तो 0.5% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, निकल में 1.5% की गिरावट है इस समय, जिंक लेड और एल्युमिनियम यहां पर भी आपको सुस्ती बनती हुई दिख रही है। तो बेस मेटल्स में आज दबाव है और निकल और कॉपर पर स्पेशली भारी दबाव है, पर कच्चे तेल की जो रैली है वो बरकरार है इस समय, करीब 1/4% ऊपर। आइए आपको बता दें ट्रेडर्स डायरी की दमदार रिकमेंडेशंस जो आज दी हैं वरुण और आशीष ने। K
कैश का काउंटर है एशियन एनर्जी सर्विसेस, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। फ्यूचर्स में जेएसडब्ल्यू स्टील में आपको खरीदारी करना है। ऑप्शंस में गुजरात गैस का 670 का कॉल ऑप्शन खरीदेगा। टेक्निकली बंधन बैंक अच्छा लगता है। फंडामेंटली वेदांता में आपको खरीदारी करना है। आज स्टॉक में अच्छी खासी तेजी हो सकती है। निवेश करना है आईसीआईसीआई बैंक में, 6 से 8 महीने में आपको 900 के आसपास के लक्ष्य दिखा सकता है। खबरें ल्यूपिन में है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। और माई चॉइस में HG इंफ्रा, गैब्रियल इंडिया और बैम्बिनो एग्रो में आपको खरीदारी करना है। और आज का मेरा बेस्ट पिक वेदांता है। यहाँ पे आज आपको एक बेहतरीन तेजी देखने मिल सकती है। आप यहाँ ट्रेडिंग कर सकते हैं। 316 के आसपास के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। 302 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। ओके, बामर लॉरी HCL टेक के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 450 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली बड़ा ब्रेकआउट, इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट देखने को मिला है सुप्रीम इंडस्ट्रीज में। फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी हिडलबर्ग सीमेंट और निवेश के लिहाज से खरीदना अदानी पोर्ट्स। टेलीकॉम सेक्टर को राहत का असर देखने को मिलेगा IDFC फर्स्ट बैंक में, यहाँ पर 52.30 रुपए के लक्ष्य खरीदारी करेंगे। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में ब्रेकआउट आएगा, IOC में ट्रेडिंग पोजीशंस बना सकते हैं। और डॉक्टर रेड्डीज में भी बढ़िया रिवर्सल के संकेत है, 5,100 रुपए के लक्ष्य खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है निवेश के लिहाज से अदानी पोर्ट्स। काफी बढ़िया स्ट्रक्चर बना हुआ डेली और वीकली चार्ट पर। मैं मान रहा हूँ कि 1 साल के अंदर ये स्टॉक जो है 1,000 रुपए के पार जाएगा। तो ये है आपके लिए दमदार ट्रेडिंग आइडियाज आज हमारे इन हाउस एक्सपर्ट्स की तरफ से। आइए बढ़ते हैं आगे। सुमित जी हैं हमारे साथ तैयार। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग अनिल जी, पिक ऑफ द डे के तौर पे लुपिन को सिलेक्ट करना चाहिए। लुपिन के अंदर अब यहाँ से अच्छा मोमेंटम बन सकता है। स्टॉक एक करेक्शन के बाद थोड़ा सा साइडवेज चला है और साइडवेज चलने के बाद अब यहाँ से एक अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो नीचे में टेक्निकली चार्ट्स पे सपोर्ट है वो 975 के आसपास है, तो 970 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें। ऊपर में 1010 से लेके 1025 तक का मूव इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से लुपिन में देखने को मिल सकता है। तो कोई भी छोटा मोटा डिप आता है तो खरीदारी करें लुपिन के अंदर। ओके, तो यह है आपके लिए लुपिन पर खरीदारी की राय। एक बड़ा मामला भी इन्होंने सुलझा दिया है, अब देखते हैं कि आगे जाकर यहां पर क्या इंपैक्ट रहेगा लुपिन पर। सिटी साहब, जोमैटो पर आपकी क्या राय है? पिछले कुछ दिनों से काफी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही थी। 2 दिन पहले 150 का लेवल टच किया, फिर खबर आई कि एक को-फाउंडर ने क्विट किया है, वहां से थोड़ा करेक्शन हुआ। आज एक नेगेटिव रिपोर्ट आई है, JP Morgan 120 का टारगेट दे रहा है अंडरवेट रेटिंग के साथ। आप किस तरफ आते हैं जहां तक जोमैटो की बात है सर? नहीं, मैं तो इस स्टॉक पे बुलिश हूँ और जो अभी तक जो रिपोर्ट्स आई है उनके साथ जाना चाहूंगा। ये आज वाली रिपोर्ट मुझे नहीं लगता कि इतना इसका भाव गिरना चाहिए। बाकी ओवरऑल स्टॉक अच्छा करेगा और जिस तरह का बिजनेस मॉडल है और जिस तरह की फैंसी है इस तरह के स्टॉक्स के ऊपर, मुझे लगता है ये स्टॉक ग्रेजुअली बहुत ही अच्छा करेगा। मेरे भी इसमें 9 से 12 महीने के 175-200 रुपए के टारगेट्स। ओके, तो 175-200 रुपए के टारगेट्स हैं सेटी साहब के। आज एक नेगेटिव रिपोर्ट आई है, पर देखते हैं किस तरह से स्टॉक आगे जाकर परफॉर्म करता है। एल्काइल अमाइंस, सुमित जी जरा इसके चार्ट देखें। प्रमोटर ने करीब 1.25 लाख शेयर्स बेचे हैं 13 और 14 तारीख को। एल्काइल अमाइंस की चार्ट क्या कहती है सर? थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है स्टॉक के अंदर, हायर लेवल्स पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। एल्काइल अमाइंस के अंदर मेरे को लग रहा है कि कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चले। स्टॉक का जो नीचे में टेक्निकली सपोर्ट दिखाई दे रहा है 3950 के आसपास है और ऊपर में जो इमीडिएट पहला हर्डल बनेगा वो है 4150 का, यानी यहां से ऊपर में 4150 तक का मूव देखने को मिलना चाहिए। और 4150 के लेवल टूटेंगे तो स्टॉक में रैली और ऊपर की तरफ बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो खरीदारी कर सकते हैं। ओके, तो एल्काइल अमाइंस डिप पर खरीदारी करने की सलाह है। नजर रखते हैं इस चार्ट पर। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, पालवे साहब इसके चार्ट पर आया राय दे। करीब 30,000 शेयर्स प्रमोटर ने बेचे हैं। वैसे तो पूरा रियल एस्टेट सेक्टर ही तेजी में रहा है, ब्रिगेड की चार्ट्स क्या कहती हैं सर? तो काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है और ये स्टॉक में जिस तरीके से हमने पिछले दिनों में एक रनअप देखा है, स्टॉक अभी कंसोलिडेशन मोड में देखने को मिल रहा है नियर टर्म चार्ट पे। लेकिन अगर स्टॉक को अगर ओवरऑल एनालाइज करें तो 385-380 के आसपास इसका एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। हमें लगता है यहाँ से बिल्कुल बाय करना चाहिए। जो एक कंसोलिडेशन है, एक अपॉर्चुनिटी इसको वापस बाय करने की। 410 के ऊपर जैसे ही स्टॉक का ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक में फिर 440-450 तक की अपसाइड यहां से बनते हुए दिख सकती है। तो 385 के स्टॉप लॉस से, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है। पहला टारगेट होगा 410 का। अगर वो ब्रेकआउट बनते हैं तो फिर 440 तक में इसमें अपसाइड पोजिशनल बेसिस पाते हुए दिख सकती है।
तो ये है वो सारे आपके लिए स्टॉक्स पर एक्शन आज होते हुए दिख रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में रह सकते हैं उनको लेकर एक खबर आती दिख रही है, सोडियम हाइड्रोसल्फेट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश डीजीटीआर की तरफ से होती हुई दिखे, ये खबर आती हुई दिख रही है। और ये खबर है वेल्समन इंडिया, वर्धमान टेक्सटाइल, इस तरह की कंपनियों के लिए यहाँ पर अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। इस खबर पर करिएगा फोकस और ये आपके लिए एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है। चीन कोरिया से सोडियम हाइड्रोसल्फेट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी की सिफारिश की है। 16 सितंबर 2020 को जांच के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था और 2019 से लेकर 2020 फाइनेंशियल ईयर 2020 के मामले की जांच की गई थी और जांच करने के बाद ये पाया गया कि इस पर ड्यूटी लगनी चाहिए और डीजीटीआर ने इस पर ड्यूटी लगाने की सिफारिश कर दी। तो दो टेक्सटाइल कंपनियां वेल्समन इंडिया और वर्धमान टेक्सटाइल, इनके लिए फायदे की बात होगी। तीसरी आंध्रा पेपर है, इसके लिए फायदे की बात होगी। तो इन तीन कंपनियों पर आपको करना है फोकस, यहाँ पर नजर रखिए। वेल्समन इंडिया, वर्धमान टेक्सटाइल, ये सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स और साथ ही आंध्रा पेपर। हमारे संवाददाता अनुराग हमारे साथ है इस वक्त, अनुराग शाह। अनुराग बताइए क्या है पूरी खबर। देखिए सोडियम हाइड्रोसल्फाइड जो है एक तरह से जो टेक्सटाइल होता है, जो कपड़े होते हैं उस पर रंग उतारने के काम आता है काफी, इसके अलावा पेपर में भी इस्तेमाल किया जाता है एंटी ब्लीचिंग के लिए। तो इस पर जो जांच की गई, दिसंबर 2020 के अंदर जांच शुरू हुई थी और सभी पक्षकारों को इसमें डिटेल्स मांगी गई थी और उसके बाद जो है डीजीटीआर का जो फैसला है उसमें सिफारिश की गई है कि आगे भी जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है सोडियम हाइड्रोसल्फाइड पे जारी रहेगी। तो इसमें जो कंपनियां जो इससे जुड़ी हुई है वो है वर्धमान टेक्सटाइल, वेल्समन इंडिया, इसके अलावा आंध्रा पेपर, एवरेस्ट ऑर्गेनिक, ये जैसी तमाम कंपनियां हैं जहां पर इसका इस्तेमाल होता है, तो उनसे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है आपके लिए। इंटरेस्टिंग चीज बताइए अनुराग ने कि रंग कपड़ों से रंग उतार, कपड़ों में तो रंग चढ़ाना पड़ता है, उतारना क्यों पड़ता है अनुराग? सर कुछ जो कपड़े होते हैं जिनपे ब्लीच का इस्तेमाल नहीं करके जो और केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो जो हजार्डियस नहीं होते हैं, जो कपड़े को उतना नुकसान नहीं करे, तो उस तरह का ये केमिकल है। इसके अलावा ये भी है कि कोई और कलर का फैब्रिक है उसको व्हाइट कलर में आपको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, जहां तक मैंने जो रिसर्च करी, जहां पर मुझे समझ में आया, क्योंकि इतना मेटिकुलसली इसको फॉलो नहीं करते, लेकिन पिछले एक घंटे से जो भी मैंने पढ़ाई करी तो उसमें यही समझ में आया कि ये कपड़े पे केपर पेपर पे जो रंग उतारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये इतना नुकसानदायक नहीं होता है। बिल्कुल, मैं वही चेक कर रहा था कि आप कितनी तैयारी के साथ आए, एकदम बिल्कुल परफेक्ट। तो ये है आपके लिए बड़ी खबर। टेक्सटाइल स्टॉक्स पर एक बार जल्दी से सेठी साहब की भी राय ली जाए। सेठी साहब बताएं, खबर अच्छी आती दिख रही है, वेल्समन इंडिया, वर्धमान टेक्सटाइल आपके रडार पे रहे भी हैं, क्या है पसंद आपको? बिल्कुल अनिल जी, सेक्टर पे मैं बुलिश हूँ। कारण अलग थे कि जिस तरह से दुनिया भर में चाइना प्लस वन को अडॉप्ट किया जा रहा है तो उसका फायदा, फिर सरकार ने जो पीएलआई स्कीम अनाउंस करी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए वो भी एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव था। और मैंने कई स्टॉक्स नेचुरल लेवल्स पे इस सेक्टर से रिकमेंड करे हैं, जैसे मुझे जो नाम याद आते हैं अंबिका कॉटन है, फिर आपके गोकुलदास एक्सपोर्ट्स है, फिर आपके मोंटे कार्लो है, हाल ही में मैंने डॉलर इंडस्ट्रीज, फिर उसके पहले लक्स इंडस्ट्रीज, सबको रिकमेंड किया हुआ है। मुझे लगता है सेक्टर बहुत ही अच्छा करना चाहिए और जिनके पास ऑलरेडी नेचुरल लेवल्स के भी पड़े हैं और अच्छे प्रॉफिट्स में, उनको भी अभी भी होल्ड करने की सलाह है। और कोई भी गिरावट आती है तो इस सेक्टर में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए इन क्वालिटी कंपनीज में। बिल्कुल, तो क्वालिटी कंपनीज हैं, नजर रखिए इस पर। और कई बार हमने भी चर्चा करी है वर्धमान टेक्सटाइल्स, वेल्समन इंडिया, डॉलर इंडस्ट्रीज, सारे काउंटर्स हैं जो फायदा इनको मिल सकता है इस नोटिफिकेशन से जो सरकार की तरफ से डीजीटीआर की तरफ से आती हुई दिखी है। पर आइए, रेट्स भी हो गए हैं सेटल और अच्छी शुरुआत के लिए बाजार है तैयार। अनिल जी, एसजीएक्स निफ्टी की सुस्ती पर कोई इंपैक्ट नहीं है, जो आप सुबह कह भी रहे थे ग्लोबल मार्केट्स बेहद मजबूत संकेत दे रही है और उसी का इंपैक्ट है। निफ्टी 17,540 के लेवल पर खुलने के लिए तैयार है सर, 20 पॉइंट्स ऊपर, और निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स ऊपर खुल रहा है 36,950 के करीब, क्या करना है सर? निफ्टी में तो दीप यहां भी थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं, 17,500 के आसपास आए तो बहुत ही बढ़िया लेवल है, वहां ज्यादा कंफर्टेबल लेवल है, अगर मिल जाए तो, नहीं तो यहां भी ले सकते हैं, थोड़ा नीचे 17,500 के लिए और इंतजार करें, वहां ऐड करें। बैंक निफ्टी चूंकि 36,950 कल के हाईस के आसपास खुल रहा है, अब खरीदारी 37,000 के ऊपर खरीद करेंगे, 37,000 के ऊपर निकलकर टिक जाए तो फिर एक और ब्रेकआउट की तैयारी होगी, वहां पर खरीद
और नहीं तो फिर आने दीजिए इसको 36,850 के आसपास, वहां से सोचेंगे 36,850 दो लेवल है नीचे के लिए, वहां खरीदारी करेंगे। तो 37,000 के आसपास नहीं लेना है, या तो इसके ऊपर ही लेना है, या फिर 100 से 200 पॉइंट नीचे आए 36,850 इस रेंज में खरीदेंगे। निफ्टी यहां भी ले सकते हैं, 17,500 आए तो और, 17,440 आए तो और, निफ्टी में टुकड़ों टुकड़ों में इस तरह से खरीदारी कर सकते हैं। निफ्टी में जहां ओपन हो रहा है वहां भी लीजिए, बैंक निफ्टी में 37,000 के ऊपर या थोड़ा नीचे आए तब। जी दीप, ओके, तो बैंक निफ्टी या तो डिप पर खरीदें या रैली पर निफ्टी आप करंट लेवल्स पर भी खरीद सकते हैं और फिर लोअर लेवल्स पर ऐड भी कर सकते हैं, ये आपके लिए अनिल जी की तरफ से राय आती हुई दिख रही है। एक स्टॉक जो लगातार हमारी फोकस लिस्ट में रहा है, 150 के लेवल्स पर हमने रेकमेंड किया था, आज 300 के करीब पहुंच चुका है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी। सेठी साहब, इस पर आपकी राय लेनी थी सर, डबल हो गया है बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में और लगातार अच्छी खबर आ रही है, अब 450 मेगावाट का एक ऑर्डर भी इनको मिलते हुए दिख रहा है। कैसे देखें जेएसडब्ल्यू एनर्जी को सर, और इन लेवल से भी वैल्यू दिखती है? बहुत ही दमदार स्टॉक है और आपको अनिल जी को बधाई भी इस स्टॉक को बहुत ही अर्ली डिटेक्ट करने के लिए और रिकमेंड करने के लिए, इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे पैसे बने हैं और यहां से भी मुझे लगता है इसमें अच्छे अपसाइड आएंगे। पूरा पावर सेक्टर फोकस में है, जिस तरह से पावर की शॉर्टेजेस है, क्राइसिस है, और जिस तरह से पावर के सेक्टर के बाकी स्टॉक्स भी अच्छा कर रहे हैं, मुझे लगता है ये स्टॉक यहां से भी और अच्छे अपसाइड दिखाएगा। तो अभी भी होल्ड करने की सलाह और कोई भी गिरावट में खरीदारी करने की सलाह। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी। नजर रखिए पावर सेक्टर पर और पावर सेक्टर के सप्लायर्स पर भी, क्योंकि कोल शॉर्टेज की खबर चल रही है। कोल इंडिया में तो जबरदस्त रैली रही है, पर अनिल जी आज का स्टॉक ऑफ द डे एनएलसी इंडिया, 58 का पहला टारगेट है, 2.5% ऊपर खुल रहा है सर, 57 के ऊपर, क्या करना है एनएलसी इंडिया में? पोजिशनली है 58, 60, 62, तीन टारगेट है, धीमे धीमे एक्यूमुलेट करें अगले दो तीन दिनों के लिए, क्योंकि वीकेंड पर या अगले हफ्ते की शुरुआत में प्राइस हाइक आपको आती हुई दिखेगी कोयले के दामों में, कोल इंडिया की तरफ से भी और उसके बाद एनएलसी और जीएमडीसी की तरफ से भी। तो आपको जो जैसा पसंद हो वो स्टॉक, कोल इंडिया जरूर चूंकि बढ़ चुका है, तो एनएलसी और जीएमडीसी ये दो स्टॉक हैं जहां पर अब भी मौके बन सकते हैं आपके लिए। जीएमडीसी भी चूंकि अब बाजार खुलने का टाइम हो गया, नहीं तो मुझे एक राय लेनी थी सुमित जी से बाजार खुलने के बाद, मेरा राय दूंगा, ये भी 1.5-2% मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है, क्योंकि अब 20 सेकंड बचे, तो जल्दी से एक बार पहले आज के ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत कर ली जाए, उसके बाद कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे फोकस। आइए पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में, घंटी की मधुर आवाज थोड़ी देर में आपके कानों में गूंजेगी 10 सेकंड बाद, और यहां पर बाजार अपनी पहली टिक दिखाएंगे आपको। 20 अंक ऊपर दिखाए निफ्टी शुरुआती प्री ओपनिंग सेशन में, और सेंचुरी मारने के मूड में बैंक निफ्टी, और 150 अंक ऊपर है सेंसेक्स। ओके, 17,545 27 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी ने की है शुरुआत, 88 पॉइंट ऊपर खुलता हुआ निफ्टी बैंक, सेंचुरी मारता हुआ 100 पॉइंट ऊपर और सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स, दोनों ही मजबूती के साथ खुलते हुए दिख रहे हैं सेंसेक्स निफ्टी और साथ ही साथ बैंक निफ्टी। 17,553 नया रिकॉर्ड बन चुका है, बधाइयां, ऐतिहासिक स्तर आप देख रहे हैं इस वक्त बाजार में, खुलते ही नया रिकॉर्ड बनाया सेंसेक्स ने, खुलते ही नया रिकॉर्ड बनाया निफ्टी ने, 58,881 अभी इतिहास में नया आंकड़ा दर्ज हो, 17,555 ये है नया आंकड़ा जो इतिहास में दर्ज हो चुका है लाइफ टाइम हाई के तौर पर। तो एक तगड़ा एक्शन बाजार में आज फिर से बनता हुआ दिख रहा है, 32 अंकों की तेजी यहां पर होती हुई दिख रही है और 118 अंकों की तेजी निफ्टी बैंक में, 108 अंकों की तेजी सेंसेक्स में होती दिख रही है। कहां से आ रही है मजबूती वो देखिए, इंडसइंड बैंक 0.3% 2.5% अभी सेठी साहब जिसका जिक्र कर रहे थे और आज पिक ऑफ द डे राजेश पालिया साहब ने भी दिया, कमाल करता हुआ दिख रहा है स्टॉक निफ्टी का टॉप गेनर। ओएनजीसी में 1% की मजबूती, आईशेयर मोटर्स 1% मजबूत है और एचसीएल टेक 0.5% के आसपास की मजबूती दिखाता हुआ। सरकारी कंपनियों में हल्की फुल्की खरीदारी है, ओएनजीसी के अलावा पावर ग्रिड, आईओसी आज मजबूती के साथ खुलते हुए दिख रहे हैं, तो सरकारी कंपनियों पर रखिए फोकस। कमजोर क्या है, बीपीसीएल 3.5% नीचे, डरिए घबराइए बिल्कुल भी मत, बीपीसीएल में कहीं कोई दूर दूर तक कमजोरी नहीं है, 58 रुपए एक्स डिविडेंड हुआ है उस वजह से आपको ये नीचे दिखेगा, लेकिन ये एक्स डिविडेंड है, लेकिन डरने की बात नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आपको 440 का लेवल दिख रहा है, 3.5% की ही कमजोरी होती दिख रही है, तो एक्स डिविडेंड होने की वजह से 58 रुपए का डिविडेंड आज निकल गया, तो 490 से डिविडेंड आपका निकल चुका है। अब आइए बढ़ते आगे, आइडिया आज का पिक ऑफ द डे, सेठी साहब का 10% के ऊपरी सर्किट पर खुलता हुआ सीधा 9.90 रुपए पर आइडिया का फ्यूचर है, इंडसइंड बैंक 3.5% मजबूत, इंडस टावर 3.5% मजबूत खुलता हुआ दिखा है, एक और स्टॉक आज फिर से एक्शन में आता दिखा है वेदांता, ये भी एक्स डिविडेंड होने के बाद फिर से अपने डिविडेंड वाली प्राइस पर ही, कम डिविडेंड वाली प्राइस की तरफ बढ़ता हुआ 312 शुरुआती कारोबार में वेदांता में मजबूती दिख रही है।
आईआरसीटीसी न थकना है न रुकना है और मजबूत। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये एक और स्टॉक है जहां पर भी अच्छी खबरें, टेलीकॉम सेक्टर के रिवाइवल को लेकर यहां पर भी 1.5% की शानदार मजबूती बनती हुई दिख रही है। इन शेयरों पर करिए फोकस। आइए वायदा कारोबार की तरफ। स्टॉक्स में 11% नीचे आपको बीपीसीएल दिखेगा, लेकिन ये प्योरली एडजस्टमेंट है। 52 रुपए नीचे है, 58 रुपए का डिविडेंड, इससे आप समझ सकते हैं कि 5 रुपए ऊपर है न कि नीचे, ये मानकर चले। ल्यूपिन 1% नीचे, 1822 करोड़ का इन्होंने सेटलमेंट किया, उसका असर, उसका दबाव बनता हुआ दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक में हल्का सा नुकसान, कोई खास नहीं। तो ओवरऑल अच्छी मजबूती के साथ बाजार में कारोबार और लाइफ टाइम हाई के बाद और ऊपर जाते हुए 17,575 का अगला टारगेट हमारा निफ्टी का आपके सामने हिट होता हुआ दिख रहा है। 37,000 पर पहुंचता हुआ बैंक निफ्टी, और देखते हैं 37,000 के आसपास पहुंचकर यहां पर टिक पाता है, नया ब्रेकआउट देता है। तो ओवरऑल दो बढ़िया बेहतरीन लेवल आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं, और पहली बार सेंसेक्स ने 58,900 का लेवल छुआ है। 59,000 के लेवल से महज 100 पॉइंट दूर है सेंसेक्स, तो रिकॉर्ड बनने का दमदार सिलसिला आपके सामने। दीप, बिल्कुल सर, और जबरदस्त एक्शन कैश मार्केट में भी आपको आते हुए दिख रहा है। काफी सारे स्टॉक्स हैं, बैम्बिनो एग्रो हमारा एसआईपी स्टॉक भी रहा है, 5% ऊपर खबर के दम पर यहां पर तेजी बनती हुई दिख रही है। ऑटो एंसिलरीज पर रखिए नजर, एक तो गैब्रियल इंडिया में तो एक्शन आ ही रहा है क्योंकि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, पर जेटी ईकेटी यहां पर आप खरीदारी देख रहे हैं, करीब 4% ऊपर है। मिंदा कॉप यहां पर 5% की तेजी आपको बनती हुई दिख रही है। बाकी ऑटो एंसिलरी कंपनीज भी एक्शन में है जो पीएलआई स्कीम पर मुहर लगती हुई दिखी है। इसके अलावा नजर रखिए एनएलसी इंडिया स्टॉक ऑफ द डे 4.5% की तेजी दिखाता हुआ। आईएफबी इंडस्ट्रीज लगातार एक्शन में रहा है, आज भी तेजी दिखा रहा है। एनजी इंफ्रा ऑर्डर विन के बेसिस पर यहां पर भी 3.5% की आप तेजी देख रहे हैं। कर्नाटका बैंक में है खरीदारी, 3% ऊपर। पावर मेक प्रोजेक्ट्स यहां पर आप तेजी देख रहे हैं, इसके साथ ही नीलकमल यहां पर भी एक्शन दिख रहा है। आईडीएफसी लिमिटेड यहां पर 2% की तेजी आपको आती हुई दिख रही है। द्वारिके शुगर और धानुका, इन दोनों शुगर काउंटर्स में भी आपको खरीदारी दिखेगी। सनटेक रियल्टी के लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, 2% ऊपर। जीएमडीसी की आप बात कर रहे थे सर, यहां पर भी 2% की तेजी है। जिंदल स्टील हिसार यहां पर भी पॉजिटिविटी बनती हुई आपको दिखेगी। कुछ स्टॉक्स जहां पर आपको दबाव आते हुए दिख रहा है, हिंदुस्तान कॉपर ओएफएस है ऑफर फॉर सेल, करीब 6.5% के डिस्काउंट पर है, फिलहाल 5% नीचे दिखेगा काउंटर। जेंसा टेक कल की तेजी के बाद आज थोड़ी मुनाफा वसूली दिखाता हुआ। एनसीसी कल की तेजी के बाद आज 2% नीचे, और वरॉक कल ऑलमोस्ट सर्किट लगा था, आज 2% मुनाफा वसूली। कार्गो रैंडम में भी हल्की मुनाफा वसूली हो रही है। तो अनिल जी, कुछ स्टॉक्स में मुनाफा वसूली हो रही है जो कल बड़े एक्शन में आते हुए दिखे थे, बट 37,000 के पार बैंक निफ्टी आते हुए दिख रहा है सर, करीब 0.5% की तेजी, और निफ्टी तो ऑफकोर्स नए रिकॉर्ड 17,570 के लेवल के करीब इस समय। बिल्कुल, तो शानदार खरीदारी इस वक्त बाजार में होती हुई दिख रही है और बेहतरीन एक्शन बाजार में बनता हुआ नजर आ रहा है आपको। इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। आइडिया 10% चूंकि ऊपर है, जाहिर सी बात है कुछ बड़े ब्रेकआउट के संकेत भी आएंगे। बंसल जी, चार्ट देखिए, अगर सर्किट खुले तो खरीदना है क्या? खरीदना है तो कहां तक, टारगेट क्या बनेंगे? बिल्कुल अनिल जी, आपने राइटली मेंशन करा, स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट के संकेत आ रहे हैं, और टेक्निकली अगर हम देखें तो सर्किट खोलने के बाद अनिल जी थोड़ा सा कूल ऑफ होना देना चाहिए। जिस तरीके से सर्किट के बाद स्टॉक भागता है तो पकड़ना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर जो लेवल वॉच करना है वो है 10.60 रुपए, 10.65 रुपए। ये लेवल जब टूटेंगे तो अनिल जी तब एक काफी बड़ी तेजी में आएगा। 10.60 रुपए, 10.65 रुपए के लेवल टूटेंगे तो ये जो रिसेंट हाइस थे 13-13.5 रुपए के, तब वाली जर्नी शुरू होगी। तो जिनके पास है होल्ड करें और 10.65 रुपए के लेवल टूटने की वेट करें। 10.65 रुपए, अब ये एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल बनता है वोडाफोन आइडिया पर, नजर रखनी है। फिलहाल तो ऑफकोर्स सर्किट पर है, पर देखते हैं इसके बाद किन लेवल्स पर खुलेगा। इस बीच अनिल जी के रिकमेंडेशन वाले स्टॉक्स दमदार तेजी दिखाते हुए दिख रहे हैं सर, और बीएलएस इंटरनेशनल, कल ही इसके बारे में बात हो रही थी, आपने रिकमेंड भी किया था, 288 का एक फाइनल टारगेट आपने इस काउंटर पर दिया था जो अचीव होते हुए दिख रहा है सर। 289-290 के करीब बीएलएस इंटरनेशनल आते हुए दिख रहे हैं, 293 का हाई बना है इस समय, क्या करना है अगर कल पोजिशन लिए सर? तो डीप देखिए रख सकते हैं, कहीं कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं। देखिए ट्रेडिंग के लिए आज से आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले। 270, 278, 288 तीन टारगेट थे, तीनों के तीनों टारगेट आपके हासिल हो चुके हैं, तो यहां रखें, कोई हर्ज नहीं है, ट्रेल करते चलें। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लिया तो मैं ऑलरेडी आपको बोल ही चुका हूं, इसे आपको अब भी 350-400 के मिनिमम टारगेट रखकर चलने हैं। जब तक स्टॉक में अच्छी परफॉर्मेंस है, बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं, आउटलुक ठीक है, क्यों हड़बड़ी करना है, जल्दी करना है। बाकी आपको टारगेट चाहिए तो सुमित जी सबसे बढ़िया है ही हमारे साथ तैयार, सुमित जी से पूछ लेते हैं, लगातार उन्होंने खरीदारी की राय दी है बीएलएस में। सुमित जी, चार्ट्स?
जी देखिए ये स्टॉक के अंदर वन वे मूव देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। कल भी बात हुआ था, परसों भी बात हुआ था और रेगुलरली स्टॉक पे डिस्कशन हो रहा है। 290 से 300 के इसके इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट थे वो आज अचीव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। 300 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक निकलेगा तो 325 से 330 रुपए तक का मूव शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिलेगा। तो रैली कंटिन्यू है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड करें। ओके, तो ये है आपके लिए BLS इंटरनेशनल, ये है राय सुमित जी की तरफ से भी, अनिल जी की तरफ से भी, एक ही दिन में दोनों टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं और अब 300 की तरफ स्टॉक ने बना ली है अपनी नजर। पर वोडाफोन आइडिया में तो एक्शन है ही, इंडस टावर्स में जबरदस्त एक्शन आते हुए दिख रहा है। सेटी से अब हमें बताकर भी गए थे नजर रखनी है पूरे टेलीकॉम स्पेस पर। किरण जी, इंडस टावर्स के चार्ट्स पर राय दें, 260 का लेवल क्रॉस करते हुए 6.25% की तेजी, क्या करना है इस पर? दीप, 3-4 दिन पहले मैंने इंडस टावर्स का बाय रिकमेंडेशन दिया था, बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है और इधर से और भी बढ़त देखने को मिल जानी चाहिए, न्यूज भी अच्छी है। तो मेरा मानना है कि नेक्स्ट जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो 270 के पहले नहीं है, तो 270 के टारगेट्स पहले देखने को मिल जाने चाहिए, जहां पे रिव्यू लेना चाहिए। 270 से 280 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। अभी के लिए मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 254 का, मैं कैश कैलिवर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, तो 254 का स्टॉप लॉस रखिए और 270-280 की तरफ जा रहा है इंडस टावर, नजर रखिए इस पर। आइए देखते हैं सिमी जी को क्या पसंद है, स्वागत करते हैं उनका सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स के लिए। मॉर्निंग सिमी जी, बताएं मैम। वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु, मेरा पहला कॉल होगा टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स में करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा, 52 वीक हाई 8.90-8.92 के आसपास है, उसी रेंज को टेस्ट करेगा ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। 8.55 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, पहला टारगेट होगा 8.85, दूसरा होगा 8.92 और तीसरा होगा 900। तो ये तीनों टारगेट्स के लिए टाटा केमिकल्स को खरीद कर चलने का सलाह होगा। दूसरा स्टॉक है बामा लॉरी। दीपांशु, इसमें बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया है, डेली चार्ट बहुत ही शानदार पैटर्न इसमें है, मुझे लगता है कि इसमें इंट्राडे सिर्फ नहीं पोजिशनल भी जाना चाहिए और इस रेंज पर खरीद कर इसको पोर्टफोलियो में होल्ड करना चाहिए। मिनिमम टारगेट इसका जो आना चाहिए वो होगा 149 से 155, जो कि आज ही के दिन के लिए मैं एक्सपेक्ट करी। 149 पहला टारगेट, 155 दूसरा टारगेट, ये दोनों टारगेट के बाद अगर ये स्टॉक मोमेंटम होल्ड करता है तो मुझे लगता है कि आज से कल मतलब 2-3 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 170 का हाई भी छू सकता है। तो करंट लेवल पर बामा लॉरी को खरीद कर चलने का सलाह होगा, 137 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। ओके, तो बामा लॉरी और टाटा केमिकल्स दो कॉल सिमी जी की तरफ से जो आपको बढ़िया एक्शन दिखा सकते हैं। शुक्रिया सिमी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। बिगुल किरण जी के लिए किरण का कमाल। बताएं किरण जी। दीप, मेरा भी कॉल टाटा केमिकल पे ही है, एक कल के सत्र में बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये चला था, उसके बाद आज एक अच्छी गैप से खुला है और गैप के बाद बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ ये ऊपर जा रहा है। ओपन इंटरेस्ट देखे तो उधर भी बढ़त देखने को मिल रही है काफी अच्छी, तो नंबर 3 पे 4 पे। तो मेरा मानना है कि जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, टाटा केमिकल 885-890 के टारगेट्स आज कल के सत्र में देखने को मिल जाने चाहिए और स्टॉप लॉस के लिए मैं मानता हूं आपका स्टॉप लॉस रहेगा 864 का। तो इस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बैठ रहा है, इधर बाय करने की सलाह है। उसके साथ साथ अगर अपन हम अगर ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं तो इधर एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी भी सजेस्ट करता हूं, क्योंकि सिमी जी ने पहले ही बताया है। तो टाटा केमिकल का 870 का कॉल ऑप्शन अभी 3350 के आसपास मिल रहा है, ये बाय करने की सलाह है। इसमें स्टॉप लॉस 26 का रहेगा और टारगेट्स के लिए 45-47 के टारगेट देखने मिलेंगे। तो आपको 870 का कॉल ऑप्शन टाटा केमिकल के में बाय करने की सलाह है। टाटा केमिकल्स एक्सपर्ट्स के रेडार पर, सेठी साहब ने भी आज सुबह बात करी थी, सचिन जी कल बात कर रहे थे, सिमी जी को भी पसंद है और अब किरण जी ने भी आपको स्ट्रेटजी दी है और ऑप्शंस के जरिए भी ट्रेड का विकल्प है इस काउंटर पर। चलते हैं आप सुमित जी के पास, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, मेरे पास जो स्टॉक है बैंकिंग स्टॉक है और ऐसा बैंक है जिसको अब मेरे को लगता है नो नहीं बोलना चाहिए, यस बोलना चाहिए। स्टॉक का नाम है यस बैंक। पिछले 2 दिनों में यस बैंक लोअर लेवल से एक अच्छा मूव दिखा रहा है, ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के अंदर रिवर्सल के संकेत बन रहे हैं। पोजिशनली ये स्टॉक के अंदर जैसे जैसे पॉजिटिव न्यूज और ट्रिगर्स आते जाएंगे ये स्टॉक ऊपर का मूव दिखाएगा।
स्टॉक का नीचे में मेरे को लग रहा है कि एक अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है 11 रुपए 12 रुपए के आसपास। अभी इमीडिएट ट्रेडिंग के लिहाज से 12 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस बनेगा और पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से 10 रुपए 90 पैसे का इसके अंदर स्टॉप लॉस बनेगा। यस बैंक के अंदर डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का आज एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट के अंदर स्टॉक एक अच्छा मूव दिखा रहा है। मेरे को लग रहा है कि आने वाले दिनों में स्टॉक के अंदर यहां से एक अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो पहला शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट बनेगा वो है 15 रुपए का। 15 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो 200 डीएमए लेवल ब्रेक हो जाएंगे। उसके बाद स्टॉक के अंदर ऊपर में 17 रुपए तक के मूव देखने को मिल सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के टारगेट होंगे यस बैंक के लिए। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 15 रुपए से लेकर 17 रुपए तक के टारगेट जल्दी शॉर्ट टर्म में यस बैंक में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो यस बैंक पर करके चलें खरीदारी। टेलीकॉम रेजोल्यूशन का तो इस बैंक को भी फायदा होने वाला है। यस बैंक का नजर रखिए इस पर। वोडाफोन अभी भी 10% के सर्किट पर है, थोड़ी देर में सर्किट खुलेगा, फिर देखते हैं किस तरह का एक्शन रहेगा। तब तक चलते हैं चार्ट कॉर्नर के लिए राकेश जी कुणाल जी के पास। बताए सर। दीपांशु, जो ये पिक है चार्ट कॉर्नर पिक है, इसको इस तरह पे नहीं, यहां से 2.5 रुपए नीचे लेना है। ये स्टॉक थोड़ा सा बढ़ गया, कतार लंबी होने की वजह से स्टॉक में ब्रेकआउट था, बढ़ गया और इसके लिए 2.5 रुपए मायने रखते हैं। ये स्टॉक अनिल जी ने दिवाली वाले पीछे अभी किसी स्पेशल ओकेजन पे रिकमेंड भी किया था। और स्टॉक है आईटीसी। आईटीसी ने एक बड़े वाला लेवल तोड़ा है तो 218-250 के अराउंड मिलता है, तो वो एकदम परफेक्ट स्तर है आईटीसी में एंट्री करने के लिए। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, एक बहुत दमदार ब्रेकआउट और बहुत शार्प वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है दीपांशु, तो मुझे लगता है कि स्टॉक तेजी दिखाएगा। यहां पर देखिए, जो अगला मेजर हर्डल है आईटीसी के लिए, जो बड़े रेजिस्टेंसेस हैं वो 230 के रीजन में हैं, तो हमें ये लगता है कि आईटीसी 230 रुपए की तरफ बढ़ रहा है। गिरावट में बाय करें, यहां पर स्टॉप लॉस 216-217 के आसपास रख लें और पहला टारगेट स्टॉक के लिए 228 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 232 रुपए का होगा। के रेडार पर है आईटीसी, पर मार्केट के रेडार पर भी है आईटीसी, और क्या अनिल जी को भी यही स्टॉक पसंद है, आइए जानते हैं। बिगुल आज के 2000। जी दीपा, बिल्कुल आईटीसी पसंद, और जिस चीज का मतलब लंबी कतार होने का नुकसान रिकमेंडेशन में देरी के तौर पर बंसल जी ने उठाया, वही मैं भी उठा रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली शायद मैं हमारे रडार पे एक साथ ही आया होगा 218 रुपए के आसपास, क्योंकि मैं 2-3 दिनों से नजर बनाए रहा था 216-217 के आसपास आकर स्टॉक रुक जाता है। मैं इंतजार ही कर रहा था कि 218 के पार निकलेगा तब एक नई रेंज में जाने की तैयारी करेगा, तो वहां से आपको एक्शन भरपूर होता हुआ दिखेगा। तो उस लिहाज से खरीदारी करने की राय मेरी भी थी 227-232, दो टारगेट मेरे बंसल जी के मिलते जुलते हैं कुणाल जी के। 235 तीसरा एक और टारगेट मैं देना चाहूंगा, स्टॉप लॉस 215 पर रखें, अब तो 222 हो गया, तो अब स्टॉप लॉस थोड़ा रिवाइज कर लें, जैसा 216 या बंसल जी और आपको रिवाइज करके बताएंगे। 227-232-235 तीन टारगेट। दूसरा तरीका यह है 220 रुपए वाला कॉल ऑप्शन, 3.5-3.5 रुपए मैंने देखा था जब चल रहा था, अब शायद हो सकता है बढ़ गया हो, 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और वहां पर खरीदारी कीजिए 220 रुपए वाले कॉल ऑप्शन में। 7, 11 और 15 ये तीन टारगेट रखिए, 7, 11, 15, और ये ठीक उसी तरह से धीरे धीरे आपको 10-15 रुपए का मूव देगा, जैसा आपको कोल इंडिया ने पिछले 5-7 सेशन में 20 रुपए का मूव दिया। मुझे लगता है इसी सीरीज में एक बार 235 की तरफ बढ़ने की तैयारी है, तो यहां से भी 12-15 रुपए की जगह और बन सकते हैं, और उसके बाद देखेंगे कितनी ताकत स्टॉक और दिखाता है। तो फाइनली बिग एलिफेंट स्टार्टेड मूविंग, तो देखते हैं सिर्फ हिला डुला है या वाकई में खड़ा होकर कुछ भागने के लिए भी तैयार है, थोड़े वक्त में पता लगेगा। लेकिन हाँ, संकेत तो आ गए कि कुछ एक्शन करना चाहता है आईटीसी, और इसलिए खरीदारी की राय। बंसल जी, कोई स्टॉप लॉस रिवाइज करना चाहेंगे? मैंने 215 सोचा था, आप बताएं अगर मूव आ गया उसके बाद कोई स्टॉप लॉस चेंज करना है तो। नहीं अनिल जी, 215 का ही स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और अनिल जी जैसे वो है ना दिल मांगे मोर, तो अनिल जी आजकल आप स्टूडियो भी आ रहे हैं, तो जो आपकी एक वो मैजिकल शर्ट थी, येलो शर्ट और जो एक मैजिकल कॉम्बिनेशन था, वो काफी टाइम से आपने पहना नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम जब स्टूडियो है तो उसको पहन के आए। और आईटीसी पर अनिल जी एक 3 साल वाला लंबे वाला बड़ा निवेशक के लिए दिल खोल के अनिल जी एक टारगेट भी दे दीजिएगा, क्योंकि जो जो टारगेट आपने उन कपड़ों में दिए अनिल जी मैजिकल वाले में,
वो सब अचीव हुए हैं, तो दिल मांगे मोर अनिल जी। चलिए बढ़िया, गुरुवार का रंग पीले कलर का ही होता है वैसे भी, और आज ये आईटी तो गोल्ड है एक्चुअली, बस यही है कि कब बढ़ता है कब चलता है। जिन लोगों के पास है पेशेंस टेस्ट कर रहा है, करेगा भी, हो सकता है अभी भी वापस 100-235 जाके फिर से 210-15-8-205 कुछ भी हो जाए, लेकिन रखिए कोई दिक्कत नहीं। लाइफ टाइम हाई पर 17,500 के निफ्टी पर अगर आपको सेफ स्टॉक चाहिए जहां पर आपके गलत पड़ने के चांस कम है, अगर प्रोटेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ठीक, रिटर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हो सकता है शायद आईटीसी आपको उन पैरामीटर्स पे कराना उतरे। इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है और हमारा तो व्यू बहुत क्लियर है, 275-300 मिनिमम टारगेट है छोटा, उसके बाद वहां से रिव्यू करेंगे क्या कुछ होता है आपके लिए। जी दीप, बिल्कुल। और सर 6 महीने की ऊंचाई पर है काउंटर, जो करंट लेवल्स देख रहे हैं, आखिरी बार 24 मार्च को आपने 6 महीने से इसने कुछ नहीं किया। ओहो, 6 महीने की ऊंचाइयों पर है, ये अचीवमेंट नहीं है इसका एक्चुअली, सही देखा जाए तो, जहां 6 महीने में निफ्टी कहां से कहां पहुंच गया। चलिए फिर भी ठीक है, हिला तो सही कम से कम दीप, बढ़िया है, ये एक अच्छा काम होता हुआ दिखा है। आइए बिगुल ढेर सारे हैं वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, मैंने कोई बिगुल की रिक्वेस्ट नहीं की थी, बट अभी आप मेरे पास आई है तो मैं आईटीसी पे कमेंट करना चाहूंगा अगर आप इजाजत दे तो। प्लीज बताएं सर जी। आईटीसी मेरे रडार पर 220 जैसे ही क्रॉस करते किया वैसे ही आया था, और आपने सही टाइम पे पकड़ा, राकेश जी कुणाल जी ने भी, और मुझे लगता है ये टाइम अलग होगा। इतनी बार वो बार बार 215 के आसपास आके फिर फिजल आउट होती थी रैली, मुझे नहीं लगता ये 235 के पहले ये रुकेगा, तो अभी भी अपसाइड है, किसी को पोजिशनल व्यू लेना है। यहाँ से भी 8-10 रुपए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है फिर ये 255-260 ऑब्वियसली 1-3 महीने का व्यू है, बट इमीडिएटली अगले 1-2 दिनों में ये 235 का मेरा व्यू बैठता है, और अभी आपका स्टॉप लॉस 223 का होना चाहिए। ओके, तो 223 का स्टॉप लॉस वागले साहब को पसंद है क्योंकि ऑलरेडी 227 के लेवल पर आईटीसी आते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट अनिल जी, पहला टारगेट भी हिट हो गया है आईटीसी का, आप भी कोई लेवल से रिवाइज करना चाहेंगे सर इस समय, या फिर बने रहें क्योंकि थोड़ी पोजिशनल कॉल भी है? 235 ठीक है दीप, वहां तक जाने दें, फिर देखते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, बस सिंपल है। बिल्कुल, तो अब स्टॉप लॉस ट्रेल करिए। 227 का जो अनिल जी का टारगेट था वो पहला हिट हो गया है, 228 का चार्ट कॉर्नर का आपका टारगेट है, वहां पर भी रखिए नजर, और जैसे वागले साहब भी कह रहे हैं अब थोड़ा स्टॉप लॉस ट्रेल करने की जरूरत है। आइए देखते हैं पालविया साहब को क्या पसंद है बिगुल उनके लिए बीटीएसटी का। बताएं पालविया साहब। तो बिल्कुल दीपांशु जी, मुझे भी आईटीसी पसंद था, हालांकि लेकिन अब रिकमेंड हो चुका है, तो मैं दूसरा स्टॉक यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगा, स्टॉक है हीरो मोटर। हीरो मोटर में अगर हम सेटअप देखें वीकली सेटअप के हिसाब से, स्टॉक एक डाउन स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा था, उसके बाद से जो ब्रेकआउट बना है और जो एक्शन बनी हीरो मोटर के फ्यूचर में, तो 2898 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है, इसमें बाय करने की सलाह रहेगी। हमें लगता है हीरो मोटर के सेटअप के हिसाब से ये स्टॉक में टारगेट आना चाहिए 2940-2960 तक के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे हीरो मोटर फ्यूचर में 2855 के आसपास, टारगेट होंगे 2940-2960 तक के। यहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है। फाइनली चलिए इन स्टॉक्स में भी अब धीमे धीमे एक्शन बनता हुआ दिखा है, एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, और वक्त है मुलाकात करने का जेन साहब से, जेन साहब के जेम्स। टीविक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। जेन साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज का दिन वाकई में बहुत अच्छा है हम सब के लिए, और आईटीसी सब तो हम सब ने रेकमेंड किया है और करते आए हैं सारे लोगों ने, और आज सबसे बढ़िया बात है, मैं अनिल जी आईटीसी इतना ज्यादा अच्छा चल रहा है, उसका थोड़ा एक्साइटमेंट मेरा ज्यादा, इसलिए मैंने 15-20-30 सेकंड लूंगा इस चीज में। और मैंने भी जेन साहब के जेम्स में फ्राइडे थर्सडे के दिन ही और आफ्टरनून वाले शो में जेन साहब के जेम्स में डाला था 212-213 रुपए के लगभग, अब देखते हैं क्या होता है। 235 तक के 30-35 के टारगेट्स दिए थे, वहां तक जाना चाहिए ऐसा लगता है, जब हाथी उठा है जो आप बोल रहे हो मूव करने लगा तो पक्का मूव होगा।
बट एनीवेज मेरा जो आज का स्टॉक है वो द्वारिके शुगर्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। इनफैक्ट ये स्टॉक मैंने पहले रेकमेंड नहीं किया था, हालांकि बहुत सारे शुगर स्टॉक्स को रेकमेंड किया, इसको बहुत कम बार बातचीत करते क्योंकि रीजन ये रहता है कि डेट्स रहते तो थोड़ा सा मैं पिछले साल घबरा रहा था। हालांकि शुगर स्टॉक्स है, टेक्सटाइल स्टॉक्स है, कुछ स्टॉक्स होते हैं उनका नेचर होता है, कुछ इंडस्ट्री होता है उनका नेचर होता है कि वहां पे डेट्स रहते हैं, कैपेसिटी इंक्रीज करी। और ये कंपनी भी बहुत जबरदस्त हम्बल एक बिगिनिंग थी 1994 में, 2500 टीसीडी से लेकर अब 21500 टीसीडी तक, और इंडिया का वन ऑफ दी बिगेस्ट प्लेयर्स ये शुगर इंडस्ट्री में, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, और अच्छा खासा इन्होंने पावर जनरेशन की कैपेसिटी भी बना रखी है, इंडस्ट्रियल अल्कोहल्स बनाते हैं। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया बात यह है कि इस कंपनी ने जो ग्रोथ दी है वो बढ़िया है, पिछले पांच साल में ग्रोथ करीब 21-22% की है, बैलेंस शीट को काफी इंप्रूव किया है, प्रॉफिट्स में काफी आए हैं और डेट्स को भी ये लोग काफी कंट्रोल कर रहे हैं, रिड्यूस करते जा रहे हैं, 12-13 के पी मल्टीपल पे है, ठीक है, और डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया देती है, करीब 2% के लगभग है, और ग्रोथ की मैंने बात कही और डेट्स को लोग मेंटेन कर रहे हैं। और जब डेट्स होती है तो आपको क्रेडिट रेटिंग देखना बहुत जरूरी होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग है, A+ की रेटिंग है, सो दैट गिव्स ऑल्सो वेरी गुड कॉन्फिडेंस। और मैं देख रहा था शेयर होल्डिंग पैटर्न तो बहुत इंप्रेसिव है, FIIs DIIs ने कंटिन्यूअसली स्टेक बढ़ाई है, यहाँ पे 7-8% FIIs DIIs है, और अगर इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स लिस्ट देखें तो उसमें भी कुछ नामचीन इन्वेस्टर्स है जिनकी स्ट्रॉन्ग स्टेक है, सो दैट रियली गिव्स अ गुड कॉन्फिडेंस इन द स्टॉक। और सबसे बढ़िया बात है मैं रिजल्ट्स को देखता हूँ हर बार, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहे हैं, जून 2020 में 18 करोड़ का पैट था उसके सामने इस बार 27 करोड़ का, और मार्च 2021 का एक्स्ट्रॉर्डिनरी अच्छा क्वार्टर गया जो वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स था कई सालों का, दैट वाज 48 करोड़ का पैट। सो TTM बेसिस में 101 करोड़ का पैट कमा रही है ये कंपनी, और 1266 करोड़ की कंपनी है, शुगर स्टॉक जबरदस्त चल ही रहे हैं, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी एकदम रेजिलिएंट हो रखे हैं और इनकी मिक्सिंग ऑलरेडी इथेनॉल के रूप में चालू हो गई है और 20% का सरकार ने भी किया, सो देयर आर सो मेनी स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इंडस्ट्री, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक्स बहुत बढ़िया करेंगे, शुगर स्टॉक्स ऑलरेडी एक के बाद एक कर ही रहे हैं, तो इन लेवल्स पे लें और आराम से 80 से लेकर 85 तक के टारगेट्स के लिए। आपके लिए द्वारिके शुगर में खरीदारी करने की राय, स्टॉक जबरदस्त एक्शन में आता हुआ दिख रहा है, मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले सिटी साहब के रडार पर भी आया था ये स्टॉक और यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय दी थी, और हमारा SIP स्टॉक भी रह चुका है, तो बेहतरीन दमदार प्रदर्शन करने वाला एक और स्टॉक। शुगर शेयरों में फिर से एक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है, कल शुगर के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजारों में लगभग 3.5% बढ़ते हुए नजर आए, उसका भी असर साफ पड़ता हुआ दिखा है। एक बार चार्ट पर भी राय ली जाए, पालिया साहब द्वारिके शुगर जरा देखिए। बिल्कुल अनिल जी, पूरे ही पैक में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ, और जिस तरीके से ये इस सेक्टर में एक मोमेंटम बना है, हमें लगता है कि ये कंटिन्यूटी यहाँ से और बढ़ती हुई दिखेगी। द्वारिके शुगर का अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन 74-75 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, जैसे ये स्टॉक में ये ब्रेकआउट होगा वीकली सेटअप के हिसाब से, स्टॉक में जो पैटर्न बना हुआ है उसमें एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट इसमें बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है स्टॉक में 85 से लेके 88 तक की अपसाइड यहां से बनते हुए दिख सकती है, तो पोजिशनली स्टॉक को बिल्कुल बाय एंड एक्यूमुलेट करना चाहिए। स्टॉक में बेस फॉर्मेशन ऑलरेडी 4 वीक के कंसोलिडेशन का ऑलरेडी यहां पे कंफर्म होते हुए दिख रहा है, 68 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे, पोजिशनल टारगेट आएंगे 85 से 88 तक के। ओके, तो ये है आपके लिए शुगर स्टॉक्स जहां पर आपको रखनी है नजर, पर नजर रखिए टोबैको स्टॉक्स पर भी। ITC तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है, लंबे समय बाद इतनी बड़ी मूव हम देख रहे हैं। VST इंडस्ट्रीज, गॉडफ्रे फिलिप्स, गोल्डन टोबैको पर भी आप बड़े मूव्स आते हुए देख रहे हैं, तो इस स्पेस पर रखिए नजर, एक्शन बन रहा है। आइए देखते हैं सुमित जी को क्या पसंद आया है इस बाजार में, बिगुल उनके लिए सुमित के सुपर हिट। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। Abix Cash, हर खुशी के लिए काफी है। बताएं सुमित जी। दीपांशु, FMCG स्टॉक्स में मोमेंटम बन रहा है, एक एक करके स्टॉक्स ऊपर का मूव दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 643 और स्टॉक का नाम है डाबर। डाबर एक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है, एक तेजी का ट्रेंड दिखाने के बाद स्टॉक पिछले 5-7 दिनों से साइडवेज कंसोलिडेशन में था और आज वापस से एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है जिसमें कल के हाई अभी ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहा है।
तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से एफएमसीजी स्टॉक्स में मोमेंटम बढ़ रहा है, डाबर यहाँ से एक अच्छा ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। डाबर के अंदर ऊपर में 655 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 660 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। डाबर के अंदर यहाँ पे सीएमबी पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर स्टॉप लॉस बनेगा 635 का, 635 के स्टॉप लॉस से डाबर में खरीदारी करें। ऊपर में टारगेट बनेगा 655 से लेके 660, जो कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म के होंगे, पोजिशनली इसके ऊपर के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा डाबर के अंदर। बिल्कुल, एफएमसीजी स्टॉक्स में भरपूर एक्शन बनते हुए दिख रहा है, नजर रखिए डाबर पर सुमित जी की तरफ से। अब वक्त है बैक टू बैक बिगुल्स का, चार्ट कॉर्नर और वागले का वंडर। ओके, किरण जी भी कॉल दे रहे हैं साथ में, तो आइए पहले चलते हैं राकेश जी। ओके, किरण जी और वागले साहब की जॉइंट पिक है, ना कि चार्ट कॉर्नर की। किरण जी बताएं सर, कौन सा है स्टॉक ये? दीप, बाय करना है आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज 952 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इधर से 945 ये बाइंग जोन रहेगा। आपका स्टॉप लॉस 940 का रहेगा और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं 975 पहला और दूसरा 980। ये दोनों टारगेट्स आपको आज ही के सत्र में देखने को मिल जाने चाहिए। जिस तरीके के वॉल्यूम है, ये काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रीज इस पर करके चलें खरीदारी, 954 के लेवल पर आपको ये स्टॉक ट्रेड करते दिख रहा है। वागले साहब बताएं सर, आपके भी लेवल्स? पर ये 950-51 पर आया था और मेरा टारगेट 970 का है और मेरा स्टॉप लॉस 941 का है। इंडस्ट्रीज यहां पर आप करके चल सकते हैं खरीदारी, बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। और केमिकल स्टॉक्स इन पर्टिकुलर यहां पर रखिए नजर, क्योंकि एक एक करके सारे केमिकल स्टॉक्स पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। रिसेंटली लिस्टेड दो कंपनीज पर आपकी मैं नजर डालना चाहूंगा। एमी ऑर्गेनिक्स लगातार जबरदस्त एक्शन में, 50% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था, उसके बाद अगले दो दिनों से आप देख रहे हैं एक्शन इस पर बन रहा है। आज भी करीब 18% ऊपर ये काउंटर है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पर रखिए नजर, लगातार आपको ये ऊपर सर्किट पर ही दिख रहा है, 5% ऊपर इस समय भी आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। कैन प्लस सेमिनार में भी आप 2% के एक्शन देख रहे हैं, तो नजर रखिए क्योंकि केमिकल स्पेस में आपको बढ़िया मूव आते हुए दिखिए। कल हम देख रहे थे SRF पहली बार 11,000 के पार गया था, दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन जैसे काउंटर्स में भी आपको तेजी बनती हुई दिख रही है। तो केमिकल स्पेस इस पर आज रखिए नजर, जिस तरह से बढ़िया एक्शन यहां पर आपको बनते हुए दिख रहा है। इस बीच वोडाफोन आइडिया 15% के दूसरे सर्किट पर इस समय है और इंडस टावर्स यहां पर 10% का सर्किट लग गया था, भाव खुलने के बाद इस समय और फ्रेश आप खरीदारी देख रहे हैं। 11% ऊपर इंडस टावर्स भी ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो नजर रखिए टेलीकॉम स्टॉक्स जबरदस्त एक्शन स्पेशली इन दो काउंटर्स में आपको आते हुए दिख रहा है। पर इंडसइंड बैंक टेलीकॉम स्पेस में जो बैंक्स लेंड कर रहे हैं, हाई एक्सपोजर है, वहां पर भी अच्छी तेजी आ रही है। और पालविया साहब आपकी पिक ऑफ द डे भी 1090 और 1100 के दो टारगेट से 1100 के दूसरे टारगेट पर है इंडसइंड बैंक, अब क्या करना है इस पर सर? बिल्कुल, देखिए दीपांशु जी, काफी अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिला और जिस तरीके से ये स्टॉक में आज मोमेंटम बना है, तो हमें लगता है कि स्टॉक में तो और भी अपसाइड के टारगेट इसमें अनफोल्ड होते हुए दिखेंगे। जिन्होंने भी पोजीशन ली थी, अब स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 1070 पे लेके आ जाए। हमें लगता है कि इसमें जो अब अगला नेक्स्ट टारगेट बनते हुए आना चाहिए वो करीब आना चाहिए 1120, इंट्राडे के टारगेट आना चाहिए 1120। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आज के सेशन में। अगर ये 1120 के लेवल को क्रॉस कर लेता है तो फिर वीकली सेटअप के हिसाब से इसमें एक नया फ्रेश ब्रेकआउट बनते हुए दिखेगा, जो कि स्टॉक को फिर 1200 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो जिनकी भी पोजीशन है 1070-1080 के आसपास अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले। अभी नेक्स्ट टारगेट जो हमें लगता है 1120, उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट आज क्लोजिंग बेसिस पे देता है तो फिर 1180-1200 तक के टारगेट के लिए भी इसको होल्ड किया जा सकता है। ओके, तो 1200 के टारगेट्स भी आपको आते हुए दिख सकते हैं। इंडसइंड बैंक नजर रखे इस काउंटर पर। आइए एक बढ़िया ऑप्शंस की स्ट्रेटजी लेकर तैयार हैं विश्वेश जी, स्वागत करते हैं उनका, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई में। बताएं विश्वेश जी, गुड मॉर्निंग।
दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी. देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी ने बहुत मेजर ब्रेकआउट दिया है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. वी आर सीइंग इट सस्टेनिंग अबव 37,000. मुझे लगता है बैंक निफ्टी इज हेडिंग फॉर ऑलमोस्ट 38,000 यहाँ से. सो ट्रेड थोड़ा सा संभल के करना होगा क्योंकि आज एक्सपायरी है, तो ऐसा हो सकता है कि शायद एक्सपायरी के लिहाज से 37,000 होल्ड कर ले. तो आपको करना यह है, आपको नेक्स्ट वीक मतलब 23 सितंबर का 37,500 का बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदना है. दो रीजन. पहला रीजन ये है क्योंकि आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीद रहे हो तो उसका सेंसिटिविटी टू अंडरलाइन कम होगा क्योंकि उसका डेटा कम है. प्लस समवेयर मुझे लग रहा है मूव ज्यादा बड़ा है तो यहाँ पे आईवी स्पॉट भी आ सकता है, तो उस लिहाज से वहां पे रेट पड़ेगा. सो 37,500 अभी 175-170 की रेंज में चल रहा है. करना यह है कि टूवर्ड्स डे मतलब 10:30 के बाद मार्केट कूल ऑफ होता है और ये शायद ऑप्शन हमको 140-150 की रेंज में मिले, तो इसको अक्यूमुलेट करना है 140 तक. स्टॉप लॉस इसमें रखना होगा 80 रुपीज के आसपास. थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ लेकिन जो मेरा व्यू है वो ये व्यू है कि बैंक निफ्टी अगर 37,800 की हो जा रहा है तो उस लिहाज से ये ऑप्शन की वैल्यू एटलीस्ट 300 और 400 रुपए के आसपास होनी चाहिए. सो डबल के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी का 37,500 का कॉल ऑप्शन खरीदना है. थोड़ा कूल ऑफ हो उसके बाद खरीदने की सलाह होगी. करंट मार्केट प्राइस 170 है. बैंक निफ्टी पर करनी है आपको खरीदारी और कॉल ऑप्शन के जरिए आप ट्रेड कर सकते हैं. ये अगले हफ्ते की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं विश्वेश जी? जी दीपांशु, अगले हफ्ते 23 सितंबर का 37,500. ओके, तो 37,500 अगले हफ्ते की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं विश्वेश जी. नजर रखिए, बढ़िया एक्शन यहां पर आपको बनते हुए दिख सकता है. बैंक निफ्टी पर बड़े ब्रेकआउट्स आते हुए दिख रहे हैं और लगभग सारे बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस समय. शुक्रिया विश्वेश जी एक बेहतरीन कॉल हमारे साथ शेयर करने के लिए. पर आइए कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको बड़ी मूव आती हुई दिख रही है, वहां पर डालते हैं नजर. इन्फो एज लगभग 7,000 के लेवल पर आते हुए दिख रहा है. सुमित जी, लगातार आपसे चर्चा होती है इन्फो एज पर, 7,000 के लेवल पर ऑलमोस्ट टच कर रहा है ये स्टॉक, क्या चल रहा है चार्ट में? दीपांशु, स्टॉक के अंदर तेजी चल रही है, स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करके चलना है. ये स्टॉक छोटा मोटा डिप दिखाता है बीच बीच में, बट ओवरऑल वन वे मूव देखने को मिलता है. ओवरऑल वन वे मूव देखने को मिल रहा है. 7,000 का स्टॉक का इमीडिएट साइकोलॉजिकल हर्डल मान के चले जो कि लगता है टूट जाएगा. 7,000 के ऊपर स्टॉक के अंदर और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा जिसमें 7,250 से लेकर 7,400 तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में इन्फो एज में देखने को मिल सकता है. तो पोजीशंस होल्ड करें, अभी ऊपर का मूव और देखने को मिलेगा. होल्ड करें और बड़े ऊपर की मूव आपको देखने को मिल सकती है. इस बीच आईटीसी दूसरा टारगेट भी हिट, 233 के करीब स्टॉक जाते हुए दिख रहा है. 232 का दूसरा टारगेट हिट हो रहा है. अनिल जी, आईटीसी दूसरा टारगेट भी हिट सर? बिल्कुल दीप, और अभी भी होल्ड करना चाहिए 235 के तीसरे टारगेट के लिए. अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग 205, 10, 15, 20 में लेकर कई महीनों से, जैसा आप बता भी रहे थे कि 6 महीनों की ऊंचाइयों पर पहुंचा है, उन्हें ऐसा लगा कि 6 महीनों बाद भाव आया बेच कर निकल जाए, तो ये बेवकूफ़ी होगी. क्योंकि इतने समय तक पेशेंटली अगर आपने होल्ड किया है और उसके बाद 10%, 8%, 5%, 7% के मुंह में अगर आप बेच कर निकल जाते हैं तो इसके लिए आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी. अगर आपका इन्वेस्टमेंट का है आईटीसी तो बिल्कुल भी टच ना करें, बेचने की बिल्कुल भी सोचे ना, 100% होल्ड करें इसे अब भी. ट्रेडर्स के लिए अपनी अपनी बात अलग है. ट्रेडर्स के लिए तो अगर देखिए 218-20-22 जहां से हमने शुरू किया, रिकमेंड किया और वहां से अगर यहां तक पहुंच चुका है, आप चाहें तो डे ट्रेडर्स के लिए आज से प्रॉफिट बुक करें, कर लें. बट पोजिशनल ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स यहां से भी अपसाइड है. पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 240 रुपए तक की अपसाइड अभी भी है. 235-240 दो अगले टारगेट हैं और इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम 275-300 वो टारगेट तो रखने ही चाहिए. फिर बता दूं आईटीसी में उतना ही कॉन्फिडेंस है जितना कभी वेदांता में हुआ करता था, जितना कभी बीएससी में होता था, जितना कभी पॉलीप्लेक्स में होता था. अब ये है वो 2-3 पहले चल गए, इससे चलने में वक्त लगता है. अपना अपना वक्त होता है हर स्टॉक का. लाइफ टाइम हाई पर एफएमसीजी इंडेक्स भी आए आईटीसी की वजह से, तो पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है. इसलिए आराम से इन्वेस्टर्स के तौर पर इसे 10-20 रुपए के मुंह पे देखे ना, बड़े मुंह के लिए आपको रखना है, बड़े गेंस के लिए रखना है. ट्रेडर्स के लिए अपनी अपनी राय. जी दी बिल्कुल, तो ट्रेडर्स के लिए तो अपने हिसाब से आप मुनाफा बुक कर सकते हैं, बट दो टारगेट्स हिट और इन्वेस्टर्स के लिए तो अभी पार्टी शुरू हो रही है. आईटीसी जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिख रहा है ये काउंटर, तो नजर रखिएगा इस पे. मूवमेंट भरपूर दिखा रहा है, बट कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स जैसे हम बात कर रहे थे वहां पर एक्शन है, तो आईटीसी यहां पर मूव आ रही है. डाबर पर अभी सुमित जी ने राय दी थी, मैरिको पर भी खरीदारी आती हुई दिख रही है, करीब 1.25% मैरिको अभी अभी एक्शन में आते हुए दिखा है. बंसल जी, मैरिको पर कोई ट्रेड है सर?
दीपांशु अच्छा टेक्निकल स्ट्रक्चर है और इसने भी अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम कराया है। अप ट्रेंड तो पहले से था, स्टॉक में थोड़ी सी करेक्शन आई थी, आज गैप अप ओपनिंग इसके अंदर हुई है, तो डेफिनेटली जिनके पास है दीपांशु होल्ड करें शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म से मतलब है कि एक आजकल में इसमें 577 578 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली मेरिको में होल्ड की राय है। इसके साथ साथ दीपांशु अगर कोई कतार में नहीं है तो एक एल्गो के लिए एक बिगुल की चार्ट कॉर्नर बिगुल की गुजारिश है। बंसल जी कतार तो आप ही से शुरू हो रही है सर, आइए चलते हैं चार्ट कॉर्नर एल्गो पिक राकेश जी कुणाल जी के पास। बताएं सर देखिए दीपांशु ये एल्गो पिक है और स्टॉक है थिरुमलाई केमिकल, इस पर खरीदारी की राय है। इसमें एक ब्रेकआउट एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है बहुत लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर, जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है यहां पर एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स में एक बड़ी जबरदस्त मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, सभी स्टॉक एक एक करके ब्रेकआउट दे रहे हैं। थिरुमलाई केमिकल पर फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर 220 रुपए के ऊपर आता हुआ दिखा है, असेंडिंग ट्रायंगल पहले बना हुआ है, तो स्टॉक में आपको काफी दमदार तेजी देखने को मिलेगी। स्टॉप लॉस लगा लें 221 रुपए 50 पैसे पर, 221.5 पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 232 रुपए का 232 का होगा, 237 रुपए का दूसरा टारगेट है जिसके लिए थिरुमलाई केमिकल में खरीदारी कराए। 237 के टारगेट के लिए करें खरीदारी तिरुमलाई केमिकल्स, ये है आपके लिए राय एल्गो पिक के तौर पर खरीदारी करने की 221.50 रिकमेंडेशन के लेवल और टारगेट के लेवल। कुणाल जी आईटीसी से मिलते नहीं है इसके? अनिल जी बस ये उम्मीद करें कि इसके भी टारगेट आईटीसी की तरह हासिल हो जाए, भाग्य भी इसका आईटीसी की तरह हो। अनिल जी यही तो मैं बता रहा था, कोरिलेशन वही तो है कि टारगेट लेवल अंक गणित के हिसाब से, वो न्यूमरोलॉजी भी तो होती ना, ये अगर न्यूमरोलॉजी के लिहाज से देखें तो फिर तो आज तिरुमलाई केमिकल में 232 और 237 का टारगेट आ जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्राइस पर रिकमेंड हुआ आईटीसी भी वो भी लगभग लगभग इन्हीं लेवल से रेंज के बाहर निकलता हुआ दिखा। आइए जय तैयार है अपना कैश का ऑप्शन लेकर। गुड मॉर्निंग जय, देखिए कमाल करते दिख रहे हैं आपके ऑप्शंस कल वाले भी, और बैंक निफ्टी का 36,500 का इन द मनी कॉल ऑप्शन, आई एम श्योर 620-750 का जो टारगेट है वहां तक पहुंचता हुआ दिख रहा होगा, पहले तो अपडेट दें। और निफ्टी का भी जो 17,450 का कॉल ऑप्शन मेरे ख्याल से उसके भी टारगेट आ गए होंगे, अपडेट दें और उसके बाद बताएं दूसरा ऑप्शन। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। जी अनिल जी, यू नो 36,500 के कॉल के टारगेट्स आ चुके हैं एंड वहां पे अच्छा मुनाफा हो चुका है। इनफैक्ट जहां हमने यही वीकली एक्सपायरी का 17,450 का कॉल दिया था कल, वो भी 118-120 का हाई लगा चुका है एंड वहां पे हमें प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे दी थी। सो अनिल जी वो दोनों ही ऑप्शंस में हमारे जो भी इंडेक्स में ओपन थे उसमें सारी प्रॉफिट्स बुक करने की सलाह दे दी गई है। इनफैक्ट इंडसइंड बैंक पर भी अनिल जी में जो हिसाब से एक जैकपॉट कॉल दिया था उसके भी सारे टारगेट्स हासिल हो चुके हैं, 4% प्लस ऊपर है आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो अच्छा मुनाफा होते हुए देखने मिल रहा है बैंकिंग एंड बैंकिंग रिलेटेड स्टॉक्स में। अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जो ऊपर से जो हिसाब से हायर लेवल से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है और ज्यादा करके कॉन्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो आईटीसी का ही रहा है एंड आपका दमदार कन्विक्शन जबरदस्त कॉल आपका उसमें रहा था एंड जो हिसाब से 7% प्लस का एक मूव देखने मिला है दैट क्लियरली शोज के सबर का फल मीठा होता है, तो वो देखने मिला है आज। अनिल जी अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हायर लेवल से जो हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है शुड बी यूटिलाइज एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। मैं रिकमेंड करूंगा 23 सितंबर की एक्सपायरी का 17,500 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का। अनिल जी ये अभी ट्रेड कर रहा है 114-115 पर, 115 पर ये ट्रेड कर रहा है अनिल जी एंड यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है 75 का। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि जो 17,450 से लेकर 17,500 की जो रेंज है दैट विल एक्ट एज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट। इनफैक्ट 17,500 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट था और वो लेवल्स निकल चुके हैं एंड उसके ऊपर सस्टेन भी किया है निफ्टी ने, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुआ है जरूर बट शुड बी यूटिलाइज एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 115 पे ये कॉल खरीदे आप एंड ऊपर में जो अनिल जी फर्स्ट टारगेट रहेगा इसका 161 का रहेगा 161, सेकेंड टारगेट बनेगा 179 का और 75 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदना है इसको।
कॉल ऑप्शन खरीदने की बारी आ गई, 17,500 का कॉल ऑप्शन खरीदना है आपको निफ्टी पर 115 रुपए में। ये अगले हफ्ते वाला है ना, 23 सितंबर बराबर है, 115 रुपए में अगले हफ्ते का खरीदना है 17,500 का एट द मनी कॉल ऑप्शन आप मान लीजिए। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वो हम कह भी रहते हैं आपको ध्यान कि 17,575-17,600 वो रेंज है जहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। एग्जैक्टली 17,576 का हाई बनाया है और आने की वजह भी है कि पुट कॉल रेशियो आपका 1.47 पर था, आज गैप से ऊपर खुलने के बाद थोड़ा और बढ़कर, तो नेचुरली थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। 37,100 ये है वो लेवल जहां तक बैंक निफ्टी भी पहुंचा है, उसके बेहद करीब 37,075 का हाई बनाकर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहां पर भी तो ठीक है, आनी भी चाहिए। हर एक लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आए, हर एक लेवल से आप ऊपर जाते हुए देखें। आइए अब बढ़ते आगे, वक्त है शुरुआत करने का 10 की कमाई। हर खुशी के लिए काफी है। एक्सपायरी का दिन है, थोड़ा उतार चढ़ाव तो होना है, वो होता हुआ दिख भी रहा है। आइए बढ़ते आगे और थोड़ा कमोडिटी बाजार का एक्शन भी समझ ले, क्या वहां पर भी उतार चढ़ाव है या फिर एक तरफा एक्शन। तैयार है हमारे साथ दीप बताने के लिए कमोडिटी बाजार का एक्शन भी और कुछ बेहतरीन कॉल्स भी। दीप अनिल जी, कच्चे तेल पर रखिए नजर क्योंकि लगातार तेजी बन रही है, कुछ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कच्चा तेल 5,350 के ऊपर ट्रेड होते हुए दिख रहा है, आज भी अगर आप देखें 0.3-0.4% की आपको तेजी दिख रही है। नेचुरल गैस 400 के लेवल ये छूते हुए दिख रहा है, वहां पर आज कंसोलिडेशन दिख रहा है, बट वैसे आप देखें सर तो बहुत ही बड़ी रैली नेचुरल गैस में आप ऑलरेडी देख चुके हैं। गोल्ड सुस्ती दिखाता हुआ मामूली गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, करीब 75 रुपए नीचे। सिल्वर पर आपको हल्की खरीदारी दिख रही है, हालांकि ओपनिंग लेवल से थोड़ा डिप हुआ है पर अभी भी 63,400 के लेवल पर सिल्वर होल्ड करते हुए दिख रहा है, तो थोड़ा मिला जुला रुझान आपको प्रेशियस मेटल्स में दिख रहा है। आज बेस मेटल्स में गिरावट है सर, एल्यूमिनियम करीब 0.5% नीचे आपको दिख रहा है, निकल में सबसे ज्यादा गिरावट है लगभग 0.25% नीचे, कॉपर भी अब ऑलमोस्ट 1% नीचे आते हुए दिख रहा है। तो बेस मेटल्स पर आज रखिएगी नजर क्योंकि यहां पर गिरावट आ रही है, खबर आई है चाइना से कि जो उनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वहां से वो और थोड़े मेटल्स की बिकवाली करने वाले हैं ताकि सप्लाई क्रंच जो इस समय चल रहा है उसको नॉर्मलाइज किया जा सके, तो शायद उसकी वजह से थोड़ा और ज्यादा प्रेशर आपको बेस मेटल्स में बनते हुए दिख रहा है। आइए आपको आज की स्ट्रैटेजीज में बता दूं, ट्रस्ट लाइन की तरफ से कॉल्स आती हुई दिखी है हमारे पास, गोल्ड खरीदारी करें, अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 46,750 के लेवल पर आपको करनी है खरीदारी, 46,750 स्टॉप लॉस रखेंगे आप 46,550 का और आपका टारगेट होगा 47,200। एल्यूमिनियम खरीदारी करके चलें, सेप्टेम्बर कॉन्ट्रैक्ट गिरावट दिख रही है आज, 228 के लेवल्स पर करें खरीदारी, स्टॉप लॉस होगा 226.5 और टारगेट होगा आपका 232। कच्चा तेल खरीदना है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 5,300 के लेवल्स पर, तो थोड़ा डिप का इंतजार करें, स्टॉप लॉस 5,240 और टारगेट 5,400 का रहेगा। और फाइनली क्रूड पाम ऑयल, यहां पर एक्शन बनते हुए दिख रहा है, खरीदारी करें सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 1,122 के लेवल पर करें खरीदारी, स्टॉप लॉस होगा आपका 1,115 और टारगेट होगा 1,135 का। क्रूड में करंट अब गिरावट खत्म, ये सवाल हम पूछने वाले हैं अली जी, क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार भी जब इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्रेंट $75-76 के करीब पहुंचा था तो वहां से काफी तेज एक गिरावट हुई थी, एक टॉप आउट हुआ था इन्हीं लेवल्स पर पिछली बार, तो क्या इस बार भी ऐसे ही संकेत आ रहे हैं या फिर अब लग रहा है कि यहां से $80 तक आपको ब्रेंट और कच्चे तेल के दाम जाते हुए दिखेंगे, जानेंगे एक्सपर्ट्स का क्या है कहना और आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कच्चे तेल पर। 11:26 पर अनिल जी, क्रूड में करंट अब गिरावट खत्म, क्रूड में करंट अब गिरावट खत्म, ओके। कल किसमें आग लगी थी जिसमें मैंने कहा था करंट लगना चाहिए, हाँ सिमी जी बता रही थी टाटा पावर में आग लगी, फिर मैंने बताया टाटा पावर में करंट, ओके क्रूड में करंट, क्रूड में क्या लगना चाहिए अगर टाटा पावर में करंट तो क्रूड में क्या लगना चाहिए? कुणाल जी अनिल जी, क्रूड में भी आग ही लगनी चाहिए अनिल जी, अरे गजब कर रहे हो, उबाल बहुत ज्वलंत होता है अनिल जी, उबाल उबाल हाँ उबाल उबाल बिल्कुल हाँ। ठीक उबाल होना चाहिए, चलिए तो कुणाल जी सेटल हो गए उबाल पर, क्रूड में उबाल या करंट जो आपको ठीक लगे, लेकिन है एक्शन भरपूर $75 के ऊपर आता हुआ कच्चा तेल। बंसल जी बहुत दिनों से आपने क्रूड पे चार्ट्स नहीं बताए और वो हमारे सुमित जी एक और होते हैं हमारे पैनल पे जो गोल्ड और सिल्वर के चार्ट बताने ही भूल गए, क्या मतलब काम
इक्विटी मार्केट में ज्यादा बढ़ गया है या फिर मतलब इसकी वजह क्या है? बंसल जी जरा बताइए। नहीं अनिल जी, इसकी देखिए दो वजह है, एक ऑनर, एक जो छोटी वाली वजह है वो तो अनिल जी दीप में है। जैसे ही क्रूड का अनिल जी मूव शुरू हुआ, दीप ने मतलब कि रोज ही बताया है कि क्रूड बढ़ रहा है। और दूसरी अनिल जी बड़ी वजह ये है कि क्रूड का नाम लूंगा तो अनिल जी आपको गोल्ड याद आएगा, गोल्ड याद आएगा तो गोल्ड का सिक्का याद आएगा, तो इसलिए अनिल जी क्रूड पे बात नहीं कर रहे। ओके, अच्छा सुमित जी, आपको चार्ट्स में दम नहीं दिख रहा है या फिर आजकल इंटरेस्ट थोड़ा कम है? नहीं नहीं जी, एक्चुअली कमोडिटी मार्केट्स में थोड़ी सी सुस्ती छाई हुई है और इक्विटीज एकदम चुस्ती है, तो इक्विटीज में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। कमोडिटीज के अंदर गोल्ड, सिल्वर और क्रूड थोड़े से साइडवेज चल रहे हैं। अब थोड़ा सा मोमेंटम बिल्डअप हुआ है तो आएगा आने वाले दिनों में, जल्दी इनमें भी ऊपर का मूव आएगा। फिलहाल इक्विटी में चुस्ती है तो उसका मजा ले। चलिए, इक्विटी में सुस्ती नहीं चुस्ती है, एंजॉय कीजिए, एंजॉय कीजिए हमारे दो एक्सपर्ट्स की बेहतरीन पिक। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं दो वेटरन्स, रजत बोस सर, सिद्धार्थ सैदानी साहब। वक्त है एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स का। रजत सर, सुप्रभात, करिए शुरुआत अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। अनिल जी, आज के लिए जो मैंने लॉन्ग टर्म पिक चुना है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ये सन फार्मा की ग्रुप की और एक कंपनी है, सन फार्मा एडवांस रिसर्च, स्पार्क इसका कोड है। इसका अभी परफॉर्मेंस भी अच्छा होते जा रहा है, और दूसरी बात ये है कि वीकली चार्ट देखने से ये समझ में आ रहा है कि स्पार्क या सन फार्मा एडवांस रिसर्च काफ़ी अच्छी रूप से ऊपर की तरफ दौड़ेगा अगले एक साल, मतलब 9 से 12 महीना के अंदर ये 435 और 485 ये दोनों टारगेट हासिल करेगा और उसके ऊपर भी जा सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। एक्चुअली सन फार्मा एज वेल एज स्पार्क दोनों ही बहुत अच्छे प्रदर्शन दिखाएगा, टेक्निकली यही संकेत मुझको मिल रहे हैं। स्पार्क का जो स्टॉप लॉस होगा वो 253 के नीचे क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और मैं ये मानता हूँ कि ये कोई भी निवेशक अगर एक साल के लिए इसको पकड़ के रखता है तो अच्छी रिटर्न मिल सकता है। स्पार्क, सन फार्मा एडवांस्ड, ये है आपके लिए रजत सर की राय। नजर रखें इस काउंटर पर। सर, एक बार जरा टारगेट फिर से बताएंगे स्पार्क का? 435 और 485। ओके, 435, 485 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी है सन फार्मा एडवांस्ड स्पार्क पर, यह है रजत सर की राय। पर आइए कुछ 10 की कमाई की पिक्स भी ले लेते हैं। पालविया साहब से करते हैं शुरुआत। पालविया साहब बताएं सर, कौन सा स्टॉक चुना है आपने? सो दीपांशु जी, कैश सेगमेंट में जो स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है फिलिप्स कार्बन। ये स्टॉक में अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक में पिछले दिनों में एक ब्रेकआउट डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का देखने को मिला डेली सेटअप के हिसाब से, और वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक ने एक नैरो रेंज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ऑलरेडी दिया हुआ है। हमें लगता है 255 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, 255 से 250 ये बाइंग रेंज सजेस्ट करेंगे, करंट लेवल से 245 ये स्टॉप लॉस होंगे। पोजिशनल टारगेट हमें लगता है स्टॉक में जो आना चाहिए वो करीब आना चाहिए इसमें 305 रुपए तक के, तो फिलिप्स कार्बन यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी 10 की कमाई में। ये है आपके लिए 10 की कमाई का बेहतरीन स्टॉक राजेश जी की तरफ से। 245 का स्टॉक लॉस, 305 का टारगेट, फिलिप्स कार्बन ब्लैक, ये है आपके लिए। आइए बढ़ते आगे, और सिद्धार्थ जी भी तैयार है। सिद्धार्थ जी, लॉन्ग टर्म पिक बताइए जरा अपनी। अच्छा, बाय द वे, आपकी वो दूसरी वाली पिक जो लॉन्ग टर्म वाली है या शॉर्ट टर्म वाली वो तो नहीं पता, लेकिन बार बार आई है इजी माई ट्रिप, आज उसका पता है कि आपको भाव क्या है, कुछ आइडिया है या मैं बताऊं? 620 अनिल जी, फुल अपडेटेड। मुझे लगा लॉन्ग टर्म फंडामेंटल इन्वेस्टर कभी कभार 10-15 दिनों में एक आध बार भाव देखते होंगे, लेकिन बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली 620.21 पर ट्रेड करता हुआ गजब का प्रदर्शन, बधाई आपको इज माई ट्रिप के लिए, बहुत ही तगड़ा 15% का आज मूव आता हुआ दिखा। बताएं सर, अब अपनी लॉन्ग टर्म पिक। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, गुड मॉर्निंग। एक छोटा सा डबल धमाका हैट्रिक वाला अपडेट देना चाहूंगा, उसके बाद लॉन्ग टर्म पे आऊंगा। डबल धमाका हैट्रिक क्या है वो बता रहा हूं। ये सारे स्टॉक डबल हो चुके हैं बोलने के बाद, रिकमेंड करने के बाद, सिर्फ जी बिजनेस में। और ये तीन हैट्रिक इसलिए क्योंकि तीन स्टॉक, एक स्टॉक तो आपने बता दिया इजी माई ट्रिप जो डबल हो चुका है जहां से रेकमेंड किया,
दूसरा स्टॉक IRCTC 2200 के करीब दिया था, वो भी करीब डबल हो गया। और क्लीन और दूसरा तीसरा जो है लक्ष्मी ऑर्गेनिक भी 260 के करीब मैंने रेकमेंड किया था, जो डबल के ऊपर हो गया। तो ये है डबल धमाका हैट्रिक। आज का जो लॉन्ग टर्म स्टॉक है अनिल, वो है सीमेंट की कंपनी बिरला कॉर्प भी मैं बहुत बार रेकमेंड कर चुका हूं, आज फिर से लेके आया हूं विद अ बिगर अपसाइड। 1758 का टारगेट रहेगा, 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, प्रॉफिटेबिलिटी 115% से बड़ी है पिछले क्वार्टर में, 38% का वॉल्यूम ग्रोथ YOY ईयर ऑन ईयर देखा गया है, कैपेसिटी एक्सपेंशन करने वाली है कंपनी, डिमांड की अपस्विंग होगी, दिसंबर क्वार्टर बहुत अच्छा जाएगा, वॉल्यूम ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 9% का आने वाले 2 सालों के लिए। तो ये लेखा जोखा बिरला कॉर्प 1758 का टारगेट, खरीदारी करें बिरला कॉर्प सीमेंट कंपनी जो पसंद है सिद्धार्थ जी को। पर आइए देखते हैं जय को क्या पसंद है ट्रेड के लिए, बिल्कुल उनके लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीप, MCX खरीदना है, MCX का आपको 1640 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है 72 पर। MCX में मुझे बहुत ही क्लियर बाय क्रॉस ओवर देखने मिल रहा है, ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 1720 से लेके 1760 तक के लेवल स्पॉट में देखने मिल सकते हैं, इतना सब्सटेंशियल मूव आ सकता है MCX में। नीचे की तरफ इसमें आप स्टॉप लॉस लगाइए करीब करीब 48 पर। सो 48 पर आप स्टॉप लॉस लगाकर इसको बाय कर सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट टारगेट दीपांशु बनेगा डेट वुड बी अराउंड 96, सेकंड टारगेट बनेगा 110, 96 एंड 110 ये दो टारगेट्स के लिए खरीद कर चलना है MCX को। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने जो नोटिस की है दीप, अगर मैं आपको ये बताऊं तो इसके वीकली चार्ट्स में जो हिसाब से एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ हमें बाय क्रॉस ओवर देखने मिल रहा है, दैट इज टेक्निकली वेरी बुलिश। एंड अगर मैं डेरिवेटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं आपको तो लोअर एंड ऑफ द रेंज से इसमें जो हिसाब से एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिली थी उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में भी शॉर्ट्स निकल गया, बहुत ही बढ़िया लॉन्ग बिल्डअप हमें इस स्टॉक में देखने मिल रहा है। अगर आप देखें तो लगभग 1.5% 1.25% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा भी देखने मिल रहा है, 2.5% स्टॉक ऊपर है। आई एम श्योर कि अगर जैसे ही ये 1700 के लेवल निकालता है इसमें कोई रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ दिखने नहीं मिलेगा, एंड MCX पोजिशनली कैन सी कैन टेस्ट दी ऑल टाइम हाई लेवल्स ऑल्सो। इस वक्त MCX का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय, यहाँ पर भी एक्शन भरपूर होने की तैयारी में, 1640 रुपए वाला आपको खरीदना है कॉल ऑप्शन जय की राय। आइए आज शाम 5 बजे वित्त मंत्री जी की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये खबर आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। क्या होगा एजेंडा वो भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि क्या किस मामले पर किस मुद्दे पर वित्त मंत्री जी संबोधित करेंगे, लेकिन शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसकी कर लीजिए तैयारी। शाम 5 बजे वित्त मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये खबर अभी अभी इस वक्त आती हुई दिख रही है। आज गुरुवार है, ओके, गुरुवार के दिन शाम को 5 बजे वित्त मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नजर रखिएगा इस पर। थोड़ी देर में हम आपको विस्तार में बताएंगे कि क्या कुछ होने वाला है, अगर इसका एजेंडा पता चला है किस बात पर वित्त मंत्री जी बात करेंगे उस पर देखेंगे और आपको विस्तार से देंगे इसकी जानकारी भी। ओके, तब तक बढ़ते हैं आगे और वक्त है आपके लिए पोजिशनल पिक लेने का। रजत सर ने स्पार्क इस शेयर को चुना है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, पोजिशनली रजत सर बताएं क्या है आपको पसंद। देखिए पोजिशनल पिक के रूप में मैंने एक टायर कंपनी चूज किया है सीएट टायर्स, ये मेरा टारगेट रहेगा 1535 से लेके 1625 तक, मध्यम अवधि के लिए ये सलाह दे रहा हूँ खरीदारी करने के लिए। इसमें खासियत यह है कि इसका वीकली चार्ट में एक अच्छी ब्रेकआउट देखा है और वो ब्रेकआउट के चलते अभी ये समझ में आ रहा है कि ये 50 वीक मूविंग एवरेज को तोड़ता नहीं है, मतलब कि राफली आप मान लीजिए कि 200 डे को तोड़ता नहीं है, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, और अभी 20 वीक का मूविंग एवरेज को पार करके ऊपर की तरफ चलने के लिए तैयार हो बैठा है। तो ये आप इस लेवल पे खरीदिए, करंट जो लेवल है इस पे खरीदिए, 1290 का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर की तरफ चलेगा, 3 से 6 महीने के अंदर ये लेवल्स हासिल हो जाएगा ऐसा मैं उम्मीद करके सीएट को आपकी दर्शकों के सामने मध्यम अवधि के पीक के रूप में रेकमेंड कर रहा हूँ।
ओके, तो 1290 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। बड़े टारगेट्स आ रहे हैं 1535 से 1625 के लेवल्स के लिए, सीएट पर रखनी है आपको नजर। आइए देखते हैं चार्ट कॉर्नर में राकेश जी, कुणाल जी अब क्या रेकमेंड कर रहे हैं बिगुल लोन के लिए। बताए सर। दीपांशु, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे खरीदारी की राय है। काफी दिनों से स्टॉक अपवर्ड जोन में साइडवेज हो रखा था, आज रेंज से निकल रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट है, पॉजिटिव क्रॉसओवर। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों चार्ट्स बहुत मजबूत हैं। अब ये डेरिवेटिव्स का हिस्सा है, बड़ा ब्रेकआउट HAL में आता हुआ दिख रहा है। इन स्तरों पर बाय करके चले, 1420 रुपए पर, 1420 पर फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट स्टॉक के लिए 1490 का, 1490 का पहला टारगेट होगा, 1525 रुपए का दूसरा लक्ष्य होगा HAL में खरीदारी किराए। ओके, तो 1490 1525 के टारगेट के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इस पर करके चले खरीदारी। एक्शन में ये काउंटर भी आते हुए दिख रहा है। 10 की कमाई, कुछ बेहतरीन पिक्स ले रहे हैं हम हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। पालविया साहब ने रेकमेंड किया है फिलिप्स कार्बन। किरण जी आप बताएं सर, आप कौन सा स्टॉक रेकमेंड कर रहे हैं? दीप, मेरा 10 की कमाई वाला स्टॉक रहेगा वीआईपी इंडस्ट्रीज। वीआईपी इंडस्ट्रीज ने एक अच्छा ट्रायंगुलर पैटर्न वाला ब्रेकआउट अभी देता नजर आ रहा है, और उसके साथ अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देते तो मल्टीपल टॉप रेजिस्टेंसेस जो सप्लाई जोन था वो क्रॉस करते नजर आ रहा है। तो वीआईपी इंडस्ट्रीज इधर खरीदी करने की सलाह है, 507 के आसपास ट्रेड कर रहा है। करंट मार्केट से लेके 490 ये आपका बाइंग जोन रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 470 का, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कि अगर 3 महीने का वक्त देते तो 600 प्लस के लेवल्स देखने को मिलेंगे, और अगर 8 से 10 महीने देते हैं तो मुझे लगता है कि 850 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो वीआईपी इंडस्ट्रीज इधर करंट लेवल से मैंने जो रेंज दी उधर बाय करने की सलाह होगी। 20 से 50% की रैली आ सकती है पोजिशनल बेसिस पर अगर आप इसको देखें तो। जबरदस्त एक्शन वीआईपी इंडस्ट्रीज पर आपको बनते हुए दिख रहा है, और नजर रखें किरण जी के बड़े टारगेट्स हैं। अनलॉक से जुड़ा हुआ एक और काउंटर है ये। 10 की कमाई जानते हैं राकेश जी, कुणाल जी की पिक बताएं सर। दीपांशु, हमारी खरीदारी की राय है और खरीदना है NHPC यानी कि नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, NHPC पर खरीदारी की राय है। इस स्टॉक में एक जबरदस्त राउंडिंग बॉटम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर इवॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहां पर खरीदें। बहुत ही लो रिस्क स्टॉक है, धीमी गति से चलता है, लेकिन जिस तरह का स्ट्रक्चर है इसमें बड़ी तेजी बनने की पूरी संभावना दिख रही है, तो एक लो रिस्क शेयर हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं। ओवर टू राकेश। लेकिन दीपांशु, लो रिस्क स्टॉक है पर साथ में हाई डिविडेंड पेइंग है। IPO प्राइस इसका 34 के अराउंड आया था, उससे नीचे चल रहा है, और यहां पर 12 से 15 महीने के अंदर 44-45 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। री रेटिंग का कैंडिडेट है, NHPC में निवेश की राय है के लिए। NHPC में खरीदारी करने की राय। NHPC, SGVN, पावर से रिलेटेड कंपनियां, पहले वो सब आपके दूसरी पावर वाली चली, फिर सरकारी पावर, कल आपका NTPC चल गया, टाटा पावर चल गया, अब ये खाली पानी से पावर बनाने वाले यही बचे हैं, NHPC, SGVN। सुमित जी लगे हाथ SGVN के भी चार्ट देख लीजिए इससे पहले चल जाए। बिल्कुल अनिल जी, ये स्टॉक चलने को तैयार है, और ये स्टॉक तो हमने वैसे भी पहले से बहुत लोअर लेवल से कंटिन्यूसली जब जब मौका मिलता है रेकमेंड करते हुए आ रहे हैं। तो NHPC भी चलेगा और अब SGVN भी चलेगा। SGVN जल्दी 30 का लेवल तो दिखाएगा ही, और जैसे ही 30 का लेवल तोड़ेगा तो 34 से 35 तक का मूव शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिलेगा। तो एकदम रडार पे रखें और पोजीशंस होल्ड करें, क्योंकि अभी बड़ा मूव आना बाकी है दोनों स्टॉक्स में। ओके, तो ये है आपके लिए राय SGVN पर। ओके, यहां पर भी मूव आ सकता है। चाय, सबसे खुशी की बात है चाय की कीमतों को लेकर, और वो खुशी की बात है सबसे ज्यादा कुणाल जी के लिए। वरुण एक लिंक लेकर आए और डिटेल लेकर आए कि चाय की कीमतों में भारी गिरावट किसे होगा फायदा। वरुण ये बताने वाले, हमें जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें पता है किसे होगा, वो कुणाल जी को। अच्छा, सबसे ज्यादा चाय कुणाल जी कितने लीटर पी जाते होंगे रोज? अनिल जी देखिए, अब तो मैंने सेवन जानकर बंसल जी के आदेश के अनुसार कम कर दिया है, लेकिन फिर भी अनिल जी 6 कप तो हो ही जाते हैं। 6 तो ठीक है, इतना तो बनता है कुणाल जी आपका, मतलब
खानदानी आदमी है आप, इतना नहीं पियेंगे मतलब फिर क्या है, मतलब फिर तो जीने का क्या फायदा। देखो लाइफ में एक आध शौक तो कोई ना अच्छा होना चाहिए, और ये तो बढ़िया वाले में है। तो कुणाल जी के अलावा किस किस को होगा फायदा बताइए। डेफिनेटली तो इसमें सबसे बड़ा फायदा होगा टाटा कंज्यूमर्स को, और ये मोतीलाल ओसवाल की बेसिकली एक रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट बहुत इंटरेस्टिंग थी तो मैंने सोचा कि इसको हाईलाइट करना काफी जरूरी है। और जब हम चाय की बात कर रहे तो सबसे पहले डिस्क्लोजर दे दो कि चाय की ही बात कर रहे, कॉफी की बात नहीं कर रहे। ये सबसे पहला डिस्क्लोजर है कि चाय की कीमतें जो है उसमें गिरावट हुई है। दरअसल हुआ ये था कि पिछले साल मार्च से लेकर अगस्त के बीच में चाय की कीमतें जो है उसमें अच्छा खासा उछाल आया था, ये करीब 258 रुपीज प्रति किलो के आसपास पहुंच गई थी। जाहिर सी बात है कोविड का इम्पैक्ट था, इसके अलावा जो वेदर कंडीशंस थी वो भी थोड़ी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से चाय की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। कुछ समय तक चाय की कीमतें जो है वो सस्टेन कर रही थी, मेरे ख्याल से अप्रैल जनवरी फरवरी तक फिर भी सस्टेन किया, लेकिन उसके बाद चाय की कीमतों में गिरावट आई है। और अब ये आलम है कि चाय की कीमतें जो है साल दर साल अगर आप देखेंगे तो उसमें 32% के आसपास की गिरावट आ चुकी है, अब ये करीब 175 रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच चुकी है। तो हुआ यह है कि दरअसल कि इन कीमतों की गिरावट का वैसे तो अगर आप देखेंगे तो चाय की कंपनियों को भी नुकसान होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि चाय की कीमत गिरती है तो उसका सीधा इंपैक्ट जो है चाय की कंपनियों पे होता है, लेकिन इस बार ऐसा होने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि जो चाय की ओवरऑल डिमांड है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही है, और इसके लिए चाय की कंपनियों ने अभी तक ये जो प्राइस में गिरावट आई है उसको पास ऑन नहीं किया है, ये मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट कहती है। इनफैक्ट इनका तो कहना है कि साल 2020 में चाय की जो प्रोडक्शन है उसमें करीब 10% के आसपास की गिरावट आई थी, जबकि जून और जुलाई में अगर आप देखेंगे तो चाय के वॉल्यूम्स में 11-22% की बढ़ोतरी हुई है, और करीब करीब 2-12% के आसपास की जो वॉल्यूम्स है उसमें भी साल दर साल बढ़ोतरी देखने मिली है। तो ओवरऑल चाय के वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहे हैं, जो सेल्स जो है वो भी अच्छी खासी बढ़ रही है, और इसके लिए चाय की कंपनियां जो है उन्होंने अभी तक ये प्राइस की कीमतें जो है उसको पास ऑन नहीं किया है। करीब 2-3 महीना लगता है इन कीमतों को पास ऑन करने के लिए, और इसके लिए सेकेंड हाफ में जितनी भी चाय की कंपनियां हैं उनके आपके मार्जिन में अच्छे खासे बढ़ोतरी देखने मिलेगी। और खासकर टाटा कंज्यूमर्स को इन्होंने हाईलाइट किया और कहा है कि करीब 700 बेसिस पॉइंट यानी कि 7% के आसपास की तेजी जो है बढ़त जो है आपको इस कंपनी के ग्रॉस मार्जिन में सेकेंड हाफ में देखने मिल सकती है। तो चाय की जो कीमतें घट रही है बेहतर डिमांड के चलते अभी तक कंपनियों ने पास ऑन नहीं किया है, आने वाले क्वार्टर्स में आपको इसका इम्पैक्ट इन कंपनियों के मार्जिन पे जरूर देखने मिलेगा, जो पिछले क्वार्टर्स में मार्जिन कम हो गए थे, खासकर टाटा कंज्यूमर्स पे इनका ज्यादा फोकस है। ओके, तो ये है आपके लिए चाय की कीमतों में कमी। ये ऐसा क्यों हो रहा है वरुण के कॉफी के दाम बढ़ रहे हैं चाय के घट रहे हैं? अनिल जी ये तो मोतीलाल को ही पता होगा वैसे तो, लेकिन हाँ ये हो सकता है अनिल जी कि इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे तो कॉफी का कंजम्पशन ज्यादा है। अच्छा, बहुत ज्यादा व्हेन कंपेयर्ड टू चाय। सच्ची और में? चाय हमारे यहाँ ज्यादा होती है। अच्छा, और इंटरनेशनली कॉफी ज्यादा होती है। तो कुराल जी जब आप कनाडा रहते थे तो कॉफी ज्यादा पीते थे, इंडिया में आने के बाद चाय ज्यादा पीते, ऐसा कोई आपका ड्रिंकिंग पैटर्न है ऐसा? नहीं अनिल जी, देखिए मैं तो शुरू से चाय ही पसंद करता हूँ, चाय पीता हूँ, कॉफी भी कभी कभार ले लेता हूँ अनिल जी, लेकिन चाय का जो प्रेम है अनिल जी हाँ। उसका कोई सानी नहीं है अनिल जी। अच्छा अनिल जी, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि अनिल जी जो चाय की डिमांड है ये इनइलास्टिक है अनिल जी, मतलब न घटेगी न बढ़ेगी ऐसा। अनिल जी अगर मान लीजिए दाम बढ़ भी जाए तो भी चाय पीना कोई नहीं। अनिल जी देखिए अगर चाय के दाम बढ़ भी जाएं तो क्या आप अपना कंजम्पशन कम करेंगे बताइए? बंसल जी से पूछो, बंसल जी किसी भी तरह के पेय पदार्थों के दाम बढ़ जाए तो क्या आप कंजम्पशन कम करेंगे? देखिए अनिल जी, जो एमबीए वगैरह मैंने पढ़ा है उसमें तो अनिल जी यही पढ़ा है कि लिकर टोबैको अनिल जी इनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। अभी ये कुणाल जी को नई वाली थ्योरी लेके आए हैं अनिल जी, चाय तो अनिल जी हाउस होल्ड बजट होता है और गृहणियां तो अनिल जी बजट से मतलब की बड़ी पक्की होते हैं, अगर वहां पे बजट हिलेगा तो अनिल जी सरकार हिल जाती है। तो बिल्कुल अनिल जी मैं इत्तेफाक नहीं रखता, चाय की डिमांड इन इलास्टिक नहीं है अनिल जी, पूरी इलास्टिक है। सिर्फ लिकर और टोबैको अनिल जी मतलब की ये तो किताबों में लिखा हुआ अनिल जी, इनकी डिमांड इन इलास्टिक है अनिल जी। अच्छा जय भी इस पे कुछ कह रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा ये सुन के बंसल जी, बहुत कम बार मतलब लाइफ में कभी कभार ऐसे सुखद क्षण आते हैं जब कुणाल जी और राकेश जी के बीच में मतभेद और मनभेद दोनों नजर आए, मतलब ऐसा देखने को मिलते ही कहा, इतनी खुशी है अंदर से हो रही है आप दोनों की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देख के हम बता नहीं सकते शब्दों में। जी जय भी कुछ कह रहे हैं। जी जय अनिल जी, मेरा तो सवाल राकेश जी से था, खास कर के जो कुणाल जी की बात थी, और मैं सहमत हूँ बिकॉज मैं कॉफी लवर हूँ वो टी लवर है, एंड ये मैं मानता हूँ कि इनइलास्टिक होती है डिमांड, आई मीन प्राइस बढ़ भी जाएगी तो डिमांड को फर्क नहीं पड़ेगा,
बट राकेश जी से अनिल जी ये सवाल है कि क्या वो पदार्थ के भाव जिनका सेवन वो करते हैं और अगर उनके भाव घटते हैं तो क्या डिमांड बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ जाता है क्या? नाइस क्वेश्चन जय, आप में भी एंकर मटेरियल नजर आ रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा. क्या इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है जय ने. चलो बढ़ने पे तो चलो ठीक है, डिमांड पे फर्क ना पड़े, घटने पर क्या डिमांड बढ़ती है? बंसल जी जवाब दीजिए. देखिए अनिल जी, अगर दाम घटते हैं तो अनिल जी गिफ्ट गिफ्ट जो मिलने होते हैं अनिल जी, वो ज्यादा उसकी मात्रा बढ़ जाती है. और इसका अनिल जी साक्षात एग्जांपल है, मेरे जो भी मित्र अनिल जी बाहर से आते हैं तो ड्यूटी फ्री से गिफ्ट लेके आते हैं अनिल जी मेरे लिए. तो बिल्कुल जैसे ही दाम सस्ता मिलता है, डिस्काउंट किसी भी रूप में मिलता है, तो मेरे को नहीं मालूम अनिल जी, मेरे को जो गिफ्ट का इनटेक होता है उसकी मात्रा अनिल जी बढ़ जाती है. चलिए बढ़िया है, तो ये है आपके लिए चाय, इसके दाम बढ़ने की पूरी पूरी कहानी और उससे जुड़ी हुई सारी की सारी इंटरेस्टिंग खबरें. छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार शॉर्ट टर्म पिक्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आने को है तैयार. दस की कमाई में आप सबका स्वागत है. सिद्धार्थ सेदानी साहब हमारे साथ हैं, रजत बोस सर हमारे साथ हैं. पोजिशनल पिक लेने का वक्त है सिद्धार्थ सेदानी जी से. सिद्धार्थ जी, बिरला कॉर्प आपने लॉन्ग टर्म बताया, बताएं सर पोजिशनल पिक आपकी. बिल्कुल, बिरला कॉर्प बी फॉर बी, बी के बाद सी, और पोजिशनल स्टॉक है साइंट. साइंट एक टेक्नोलॉजी कंपनी, बहुत ही बेहतरीन कंपनी, जो इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, इस डीएलएम का बिजनेस है, डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग को वो टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हैं. साइंट लिमिटेड बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, नेट डेट फ्री कंपनी, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज है, और ऑर्डर इंटेक तो पिछले क्वार्टर 21% से बढ़े हैं. बड़े डील विंस भी साइंट के पास है. टारगेट होगा 1240 का. ये है आपके लिए 1240 के टारगेट के साथ साइंट में खरीदारी करने की राय. और ये भी ध्यान रखें, आपने बी के बाद सी बोला तो मैं आप पे पूरा दबाव बनाऊंगा. अगला स्टॉक डी ही होना चाहिए, नहीं हुआ तो फिर देखते हैं कौन सा होता है, लेकिन दबाव बनाने की पूरी कोशिश. लेकिन इस बीच दबाव बनाते दिख रहे हैं चाइना वाले लोग और वो सारे गेमिंग कंपनी पर. ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर आती हुई दिख रही, नए वीडियो गेम पर चीन की सख्ती होती दिख रही है. ओहो, मतलब मुझे लगता है ये वीडियो गेम बंद करवा कर ही मानेंगे. चीन में ऑलरेडी वैसे ही अब हफ्ते में 3 दिन के लिए रह गया, फ्राइडे सैटरडे संडे आप खेल सकते हैं. कितना कितना घंटा? एक एक घंटा, तीन एक एक घंटा. उसके बाद नए वीडियो गेम पर सख्ती. तो दो कंपनियां हैं जिनको बड़ा फायदा होगा हिंदुस्तान की. एक है नजारा टेक जो गेमिंग कंपनी है, और दूसरा है ऑन मोबाइल ग्लोबल जो कि अमेरिकी कंपनी के साथ टाई अप करके अपने गेमिंग बिजनेस को बढ़ाने की विचार में है. तो ये दो कंपनियां वैसे भी नए जमाने के स्टॉक्स हैं, आजकल बड़े एक्शन में दिख रहे हैं, हाल ही के लिस्टिंग वाले स्टॉक. और नज़ारा यहां पर फोकस करिए, यहां पर स्टॉक में एक्शन भरपूर आता दिख रहा है. ऑन मोबाइल ग्लोबल, हाँ ये स्टॉक भी आज काफ़ी मजबूत है, 5% ऊपर है. तो हिंदुस्तान में गेमिंग के कारोबार में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ी हुई ये दो कंपनियां हैं, नज़ारा टेक और साथ ही साथ ऑन मोबाइल ग्लोबल. इन दोनों स्टॉक्स के लिए अच्छी खबर है. इस वक्त ऑन मोबाइल ग्लोबल कमाल करता हुआ दिख रहा है और नज़ारा भी नए जमाने के स्टॉक्स हैं. सिद्धार्थ जी, आपकी ये थीम भी रही है जिन्होंने जिसने बड़ा दमदार प्रदर्शन किया, पहले आप ये बताएं उसके बाद चार्ट पर मैं राय लूंगा. नज़ारा, कुणाल जी चार्ट तैयार कीजिएगा, ऑन मोबाइल चार्ट तैयार करने हैं सुमित जी आपको. तब तक एक फंडामेंटल राय सिद्धार्थ जी. अनिल जी, नज़ारा टेक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है. इनफैक्ट प्री आईपीओ के पहले भी हम इस पे काम करते थे और हमारे क्लाइंट्स इस पे निवेश करते थे. नज़ारा टेक बहुत ही अच्छी कंपनी है और ये जो खबर है बहुत पॉजिटिव है ऑन मोबाइल नज़ारा टेक. ये न्यू बिजनेसेस है, जो न्यू बिजनेसेस के वैल्यूएशन नहीं देखे जाते हैं, सिर्फ ग्रोथ दिखा जाता है, जो मुझे लगता है कि नज़ारा टेक में बहुत अच्छे से आ सकता है. इस पे हमारा अभी कोई टारगेट या रिपोर्ट नहीं है, बट बहुत ही बेहतरीन सेगमेंट है नज़ारा टेक. ये है वो बेहतरीन स्टॉक जहां पर एक्शन हो सकता है आगे. चार्ट देखते हैं नज़ारा के, बताएंगे कुणाल जी क्या है आपकी राय. अनिल जी, राशन शेयर्स हैं ये, और नज़ारा में अनिल जी जिस तरह का बड़ा ब्रेकआउट आया उसके बाद हमने तेज रफ्तार बढ़त देखी, मुझे लगता है अनिल जी और भी दम बाकी है, इसको लेकर के भूल जाएं. और इसमें अनिल जी मुझे लगता है कि बहुत ऊपर के लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे. तुरंत प्रभाव से अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे 2100 के आसपास एक सपोर्ट दिखता है, और मुझे लगता है कि स्टॉक 2500-2600 के लेवल्स आपको जल्द दिखाएगा. बिल्कुल होल्ड करके होल्ड बाय करके होल्ड करने की राय.
बिल्कुल 2500-2600 तक जाने की तैयारी, नजारा टेक ये है स्टॉक दमदार एक्शन में आगे आने वाले समय में। ऑन मोबाइल ग्लोबल 145-150 तक जाने के बाद एक अच्छा करेक्शन भी हुआ है, क्या फिर से तेजी के लिए तैयार हो रहा है? सुमित जी बताएं चार्ट जरा। बिल्कुल अनिल जी, फिर से तेजी के लिए तैयार है। रिसेंट के हाई 125 के स्टॉक में ब्रेक हो रहे हैं। ऑन मोबाइल के अंदर यहां से मूव ऊपर का देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 135 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 145 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट है 118 रुपए 117 रुपए के आसपास है, तो पोजीशन होल्ड करें। 135-145 के टारगेट जल्दी शॉर्ट टर्म में ऑन मोबाइल में देखने को मिल सकता है। ग्लोबल में यहां से भी अच्छी भरपूर बढ़िया बेहतरीन तेजी बनने की संभावना, 10 रुपए की मजबूती के साथ स्टॉक में आज बड़ा एक्शन आता हुआ दिख रहा है, 9% का बड़ा उछाल। और इसी के साथ एक स्टॉक और एक्शन में आ सकता है, वो बता रहे हैं वरुण मेरे साथ है। वरुण ने भी ये खबर पढ़ते पढ़ते अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन ऐड की है और उसके चार्ट्स बंसल जी को देखने में कहीं कोई हर्ज नहीं है, तो बंसल जी चार्ट्स आप देखेगा, स्टॉक वरुण बता रहे हैं। अनिल जी नाम ये डेल्टा कॉप है, क्योंकि इसमें कैसीनोस तो है लेकिन अड्डा 52 में ये ऑनलाइन पोकर साइट जो है वो ये चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको भी फायदा होगा। वीडियो गेम बंद होगा तो अब वीडियो गेम बंद हो रहा है उसके चलते ऑनलाइन वालों को भी फायदा होगा, जाहिर सी बात है। इसके नजारा टेक तो आपने बताया, साथ साथ इस पे भी नजर रखनी चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन उस पर बड़ा इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। डेल्टा कॉप लगातार, चाहे आशीष सर हो, कुणाल जी, राकेश जी, हमारी सबके एक्सपर्ट्स की पसंद का शेयर रहा भी है, 180 रुपए से लगातार बेहतरीन एक्शन में आता हुआ दिख रहा है डेल्टा कॉप। चार्ट देखिए बंसल जी। अनिल जी चार्ट्स काफी दमदार हैं और इसको हमने हर ब्रेकआउट पे रिकमेंड करा है और ये स्टॉक अब 265-270 तक जा रहा है, 265-270 तक जा रहा है। और अनिल जी एक और हमारे पैनलिस्ट हैं, वो हमेशा जी बिजनेस देखते रहते हैं और वो अनिल जी आशु मदान जी, उन्होंने भी रिकमेंड करा। और अनिल जी कल उन्होंने बोला था कि अभी 300 तब जाएगा जब हम लोग सेल्फी डालेंगे, तो अनिल जी उनके इस टिप्पणी के बाद मैंने उनको मैसेज किया था मैं सेल्फी के लिए तैयार हूं तो प्रोग्राम बना लें, बट उनका रिप्लाई नहीं आया। तो अनिल जी मैं और कुणाल जी तो तैयार हैं, मतलब कि आशु जी को रेडी होना है, तो अब 300 रुपए जाना है, तो अनिल जी सेल्फी की वेट हो रही है। बट जोक्स अपार्ट, ये स्टॉक अब 265-270 नेक्स्ट टारगेट है, खरीदारी की राय है डेल्टा कॉप पर। अब मैं आती हुई ये स्टॉक भी एक्शन में भरपूर दिखेगा, तो ये बड़ा एक्शन वाला एक आपके लिए इंपैक्ट वाला स्टॉक है जहां पर आपको नजर रखनी है। आइए बढ़ते हैं, शॉर्ट कॉल ले लेते हैं, शॉर्ट टर्म पिक्स, शॉर्ट कॉल नहीं, कहीं पता चल जाएगा शॉर्ट कॉल ही दे दी, शॉर्ट टर्म पिक्स सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी मेरी सुई अटक गई है सी पे ही, आपने कहा था कि सी पे सी के बाद डी आना चाहिए, पर मेरी सुई अटक गई है सी पे ही। और एक बहुत चौंका देने वाली चीज है, पिछले हफ्ते एसपीएल मिड कैप में ये जो सी अल्फाबेट वाला स्टॉक है वो मेरे लॉन्ग टर्म में था, आज शॉर्ट टर्म में आ गया है। आप सोचिए कितनी तेजी हो चुकी है ये कंपनी में, और ये कंपनी है क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी। मैंने तब भी कहा था कि क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है इनका टारगेट, आज भी क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, टारगेट होगा 2020 का। स्पेशलिटी केमिकल तो सुपर थीम है आज का, और स्पेशलिटी केमिकल पिछले दो सालों से तेजी में, ये स्टॉक भी तेजी में रह सकता है। कुछ ऐसे केमिकल बनाती है जो वर्ल्ड में कोई नहीं बनाता, सिर्फ क्लीन साइंस बनाता है। डेट फ्री कंपनी, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी 200 करोड़ के करीब का, 70 करोड़ का एनुअल कैपेसिटी एक्सपेंशन, और एसेंशियल प्रोडक्ट्स भी बनाती है जैसे कि एफएमसीजी के फ्रेग्रेंस हो गए, फार्मा एपीआई हो गया, एग्रोकेमिकल के केमिकल हो गए, तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी क्लीन साइंस 2020 के टारगेट के लिए। परफ्यूम वगैरह भी बनाती है कोई ब्रांड, ऐसा पता है आपको सिद्धार्थ जी, या मतलब उनके लिए काम में आने वाले रॉ मटेरियल? परफ्यूम में जो काम आते हैं, जो एफएमसीजी के क्रीम, उसके रॉ मटेरियल की केमिकल बनाती है कंपनी। ओके, तो क्लीन साइंस ये है वो बेहतरीन स्टॉक। आईपीओ की लिस्टिंग के बाद से स्टॉक में जबरदस्त प्रदर्शन आता दिख रहा है, लेकिन लिस्टिंग के बाद तो जिस स्टॉक में जबरदस्त प्रदर्शन है, एमई ऑर्गेनिक्स, माय गॉड, दुगना हो चुका है, 610 वाला 1310 आज भी ऊपर, 16% ऊपर, कल 20% का सर्किट लगा था, लिस्टिंग 60% ऊपर हुई, गजब, बहुत ही दमदार प्रदर्शन यहां पर होता हुआ दिख रहा है एमई ऑर्गेनिक्स में। विजया कल ये भी साथ साथ लिस्ट हुआ था, हल्की फुल्की प्रीमियम के साथ लिस्ट हुई थी, 531 रुपए का था जहां तक मुझे याद है विजय का आईपीओ प्राइस, 654, नॉट बैड, ठीक है, ये भी अच्छा है, चार गुना ही भरा था इश्यू, उस हिसाब से अच्छा है। रजत सर से लेते हैं शॉर्ट टर्म पिक, बताएं सर। नहीं जी, शॉर्ट टर्म पिक देने के पहले मैंने चाय और कॉफी के लिए दो बातें करना चाहता हूँ। वो ये है कि देखिए, चाय आप लोग जो डिस्कस किए थे वो सीटीसी चाय, या तो जो माने मास कंजम्पशन वैरायटी है उसमें गिरावट आया है, लेकिन अभी अगर अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में जाएंगे, दार्जिलिंग एरोमेटिक
टी जो होते हैं एवी2 क्लोनल मस्कटेल और उलोंग टी, ये सब में कोई खास गिरावट अभी तक नहीं है। इनफैक्ट उसका एक्सपोर्ट डिमांड पिछले साल की जैसा ही है, उससे कोई कोई वैरायटी में थोड़ा सा ज़्यादा भी दिख रहे हैं। तो चाय का एक सेगमेंट में ये बेनिफिट आया है कि भाव घटा है, और उसके चलते ये जो स्टॉक्स आपने डिस्कस किया डेफिनेटली दे विल बेनिफिट, वो चीज़ है। और रिगार्डिंग कॉफ़ी, अब मैंने ये बोलना चाहेगा कि कॉफ़ी का भाव इस साल में 50% बढ़ चुका है, और ये कॉफ़ी का भाव बढ़ने के कारण है ब्राज़ील की वेदर पैटर्न, उसी के कारण वहाँ पे इस साल में 40% जो प्रोडक्शन है वो नष्ट हो गया है, वो हुआ नहीं पाएगा, और इसकी असर अगले साल भी चलेगा। तो इसलिए कॉफ़ी की भाव ऊपर ही रहेगा, और स्पेशली कुछ जो वैरायटी होते हैं वियना अरबिका, स्पेशली द वियना अरबिका डार्क, ये सब और कुछ कुछ रोबस्ता में भी अच्छा भाव की अप्रिसिएशन हुआ है, और इसके डिमांड कोई घटा नहीं है। और जहाँ तक बंसल जी का बातों की जो बोले थे कि चाय का डिमांड इनइलास्टिक नहीं होता है, सिर्फ टोबैको और लिकर का होता है, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि चाय का डिमांड के बारे में वो जो आपने जो अंग्रेजी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, वो इंडिया को कंसिडर नहीं किया है। यहाँ पे चाय का भाव बढ़ने से आप चाय कम नहीं पीते हैं, चाय वैसे ही पीते हैं। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि लोअर प्राइस्ड वैरायटी आप ख़रीद लेते हैं, लेकिन कप ऑफ कंजम्पशन जो होता है उसका जो स्टडीज़ है वो उतना घटता नहीं है। रैलीज इंडिया, रैलीज इंडिया में खासियत यह है कि ये 362 का जो 18 जून का जो हाई बनाया था वहाँ से 270 की लो बनाया था, इसमें इंटरमीडिएट डाउन ट्रेंड में चला था, फुल ऑफ ब्लैक बॉडीज ऑन द चार्ट। आफ्टर दैट अभी ये ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहे हैं, और टेक्निकली यही दिख रहा है कि इसमें जो 50-day मूविंग एवरेज है उसको काट के 9-day मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ जा रहा है, और डायरेक्शन ऑफ 20-day मूविंग एवरेज, डायरेक्शन ऑफ 50-day मूविंग एवरेज, ये सब भी चेंज होते जा रहा है। सिर्फ एक फाइनल ट्रेंड लाइन जो कि 300 क्रॉस करने से भी ब्रिज हो जाएगा, उसके ऊपर चलने से ये अच्छी चल सकता है। तो इसलिए मेरा टारगेट इसमें होगा 314 और 328, और इसमें सिर्फ 10 रुपया का 287.90 रुपया या 288 इस लेवल पे स्टॉप लगा के इसमें बाय कीजिए। आपकी जरा ज़्यादा समय लेने के लिए मुझको खेल। नहीं सर, हमेशा अच्छा लगता है, एक नया पर्सपेक्टिव आप देते हैं अपनी इतनी इतने सालों की नॉलेज का। तो मार्केट पर टेक्निकल्स पर तो आपकी बड़ी पकड़ है ही, बट जिस तरह से आपने कुछ इनर डायनामिक्स भी समझाए बेवरेज इंडस्ट्री के, स्पेशली चाय कंजम्पशन को लेकर, वो भी काफी इंटरेस्टिंग था। तो नजर रखिए, और साथ ही रैलिस इंडिया ये है आपके लिए शॉर्ट टर्म पिक रजत सर की तरफ से 314-328 के टारगेट्स के लिए। पर आइए जय दे रहे हैं एक कॉल बिगुल जय ठक्कर के लिए। दस की कमाई दे रहे हैं जय, जय बताएं क्या है आपकी कॉल। जी दीपांशु, 10 की कमाई में मुझे पसंद है पब्लिक सेक्टर बैंक में से बैंक ऑफ बड़ौदा। अभी SBI तो काफी समय हमने रेकमेंड किया और अच्छा चली रहा है, बट बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से आपका सेटअप है, आई थिंक दैट वो 3 digit में जाने के लिए रेडी है। सो वही टारगेट देंगे हम, फर्स्ट 3 digit टारगेट, दैट इज 100 रुपए का टारगेट रहेगा इसमें, 73 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, 82.50 पर चल रही थी। रीजन ये देने का, बिकॉज ये क्लियरली एक चीज देखने मिल रही है, जब से ये स्टॉक में गोल्डन क्रॉस ओवर देखने मिला है कुछ ज्यादा टाइम ये 200 डेमा के नीचे सस्टेन किया नहीं है। ये सेकंड टाइम ऐसा हुआ है दीप कि यू नो ये 200 डेमा के नीचे आया, 2-3 दिन रहा, एंड देन यू नो मे बी यू नो 3-4 दिन रहा और बाद में कवर हो चुका है। इसके डेली चार्ट पर एक अच्छा हमें बाय क्रॉस ओवर देखने मिल रहा है इंडिकेटर्स में, मंथली ऑलरेडी बाय बोर्ड में है। वॉल्यूम्स अगर आप देखें मंथली चार्ट पर जो 2020 के लो से बढ़े थे इसमें सिग्निफिकेंट, आई मीन इतना तो कभी नहीं रहा। एंड यू नो पब्लिक सेक्टर इंडेक्स भी अगर आप देखें निफ्टी पब्लिक सेक्टर बैंक इंडेक्स, तो ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर में 2750-2800 के लेवल्स तक जा सकता है, जो भी करीब 2450 के लेवल्स तक है। सो आई थिंक दैट बैंक ऑफ बड़ौदा डेफिनेटली 100 रुपीज के लिए बाय करना चाहिए, 73 का एक स्टॉप लॉस लगाकर।
आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करने की राय इस वक्त आपके लिए आती हुई दिख रही है जय की तरफ से। और आइए इस बीच एक काउंटर और आपके सामने लाया जाए और वो है IIFL फाइनेंस। ये स्टॉक आपके सामने लेकर आते हैं, यहाँ पर कुछ तगड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। IIFL फाइनेंस यहाँ पर भारी भरकम वॉल्यूम आपको नजर आएंगे। वॉल्यूम देखिए 1,15,00,000 शेयरों का वॉल्यूम होता दिख रहा है, कुछ बड़ी ब्लॉक्स ओके करीबन 1.5 करोड़ शेयरों के आसपास के ब्लॉक्स होते हुए दिख रहे हैं। अलग अलग ब्लॉक डील्स हुई तो बड़ी ब्लॉक डील्स होते हुए दिख रहे हैं IIFL फाइनेंस में। ये आपके लिए बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है और दीप काफी समय से इस ब्लॉक डील का इंतजार भी था और अब चूंकि ये ब्लॉक डील होती हुई दिख रही, बड़ा एक्शन है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि स्टॉक 300 रुपए के आसपास आज नीचे इसी ब्लॉक डील की वजह से आया है। तो 1,16,00,000 शेयर NSE पे मुझे नजर आ रहे हैं। आई डोंट नो BSE पर भी स्टॉक है या BSE पर भी है, तो दोनों ही जगह भारी भरकम वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर एक्शन दीप, मुझे ऐसा लगता है इस पर एक बार यहीं पर आप 2000 का, आज के 2000 का बिगुल भजवा दीजिए। बिल्कुल सर, बिगुल तैयार है अनिल जी के लिए आज के 2000। तो बिल्कुल यही IIFL फाइनेंस, इसी में खरीदारी करने की राय, जो बड़े ब्लॉक्स होते दिख रहे हैं इसके बाद स्टॉक में बढ़िया एक्शन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आना चाहिए। और उसकी वजह यह है कि एक तो 4% से ज्यादा की हिस्सेदारी बिकी है और काफी फंड्स काफी समय से लेने के मूड में थे इस स्टॉक में और ब्लॉक डील के होने की संभावनाएं बता दी। मेरे ख्याल से 295-296 के आसपास वरुण ब्लॉक डील्स हुए, 295 के आसपास हुई है। और ऑलरेडी सुनील सिंघानिया साहब इस स्टॉक को होल्ड करते हैं, एबेकस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में भी ये स्टॉक है। तो देखते हैं कल किसके नाम आते हैं जहां पर खरीदारी हुई, लेकिन ये खरीदारी होने के बाद सबसे बढ़िया बात यह है कि यहां पर एक सेलिंग प्रेशर आपके लिए इस स्टॉक काउंटर से खत्म हो जाएगा और उसके बाद मुझे लगता है कि एक्शन भरपूर होना चाहिए। तो IIFL फाइनेंस यहां पर 300 रुपए के आसपास है, आप ये आज का लो कितना है वहीं पर स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 293 का कर लीजिए स्टॉप लॉस। और यहाँ पर मुझे लगता है 320-325 मिनिमम दो छोटे टारगेट रखिए, उसके बाद 350 तक के टारगेट भी आप लेकर चल सकते हैं पोजिशनली अगर आप खरीदते हैं तो। IIFL फाइनेंस कुछ ब्लॉक डील्स आने जी 298 के भाव पे भी हुई है। अच्छा 298 तक भी हुई है, 298 तक भी हुई है, ओके 298 तक भी हुए ब्लॉक डील्स, 295-298 रुपए की रेंज में ब्लॉक डील्स हुई है। देखते हैं किस तरह के फंड्स की एंट्री हुई, तो ये स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। 1,20,22,00,000 शेयरों का भारी भरकम वॉल्यूम हुआ है, गजब का वॉल्यूम हुआ है। तो IIFL यहां पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए 2000 के तौर पर। जी दीप, बिल्कुल सर, तो IIFL फाइनेंस पर है हमारी नजर, बड़े ब्लॉक डील्स इस पर होते हुए दिख रहे हैं। पर जैसे मैं कह रहा था सर, पीएसयू बैंक्स पर आप रखिए नजर, क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि जो आज शाम 5 बजे वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बैड बैंक को लेकर ही है, तो वहां से कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आपको आते हुए दिख सकते हैं जिसकी वजह से पीएसयू बैंक्स को भी आपको रखना चाहिए अपने रेडार पर। पर साथ ही एक बड़ा मूव आते हुए दिख रहा है IDFC फर्स्ट बैंक पर भी, तो अनिल जी यहां पर भी रखिए नजर। और इंडसइंड बैंक यहां पर 9% की मूव आ रही है, तो ये भी एक काफी एक्टिव काउंटर इस समय ट्रेड में। ओके, तो ये है आपके लिए इंडसइंड बैंक, जबरदस्त एक्शन, 9% की तेजी, गजब का एक्शन इस स्टॉक में आता हुआ दिख रहा है। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है आपके लिए मुलाकात करने का न्यूज पर यूज में। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है एक इंटरेस्टिंग कंपनी IOL केमिकल। IOL केमिकल्स ये है वो कंपनी जिससे आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं। 1986 में इस कंपनी की शुरुआत हुई और पेन मैनेजमेंट जैसी थेरेप्टिक कैटेगरी की दवाएं बनाती है, यानी कि दर्द दूर करने वाली दवाएं बनाती है। ब्रूफेन, आइब्रूफेन सबने आपने नाम सुना है, इसकी बड़ी प्रोड्यूसर है ये कंपनी। और 2000 में इसका प्लांट इन्होंने शुरू किया था, उसके बाद 2021 में भी कुछ और मल्टी प्रोडक्ट्स के लिए इन्होंने यूनिट्स लगाई है। IOL केमिकल्स के CEO संजय चतुर्वेदी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और चतुर्वेदी साहब का आपको परिचय करवा दूं, केमिस्ट्री ऑनर्स में बैचलर्स की डिग्री उन्होंने ली है, फिजिकल केमिस्ट्री में मास्टर्स की डिग्री ली है, स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से उन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री में डॉक्टरेट भी किया है, इसलिए उनके नाम के आगे डॉक्टर भी लगा हुआ है। और साथ ही पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की एक बेहतरीन डिग्री उन्होंने हासिल की है। इस इंडस्ट्री का 25 सालों से ज़्यादा का
उनका लंबा अनुभव है। चतुर्वेदी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त इंडस्ट्री का हाल कैसा है, क्योंकि कोरोना के वक्त और उसके बाद तो डिमांड काफी मजबूत आई थी, लेकिन पिछली तिमाही में जो चौथी तिमाही के नतीजे आए थे तब हमने देखा कि थोड़ी सी डिमांड कम होती दिखी है। इस वक्त एक बार जरा डिमांड सिचुएशन बताएं सर। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, डिमांड सिचुएशन इस समय थोड़ी सी मंदी हो गई है। जो प्रोडक्ट्स सिर्फ कोरोना थेरेपी में जा रहे हैं अभी वो प्रोडक्ट्स तेजी में हैं, लेकिन बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उन सब की डिमांड थोड़ी सी मंदी हो गई है। उसकी काफी सारी वजह हैं। एक वजह तो ये है कि क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोग अपनी इलेक्टिव सर्जरीज भी नहीं करा रहे हैं। इवन ऑन्कोलॉजी की दुनिया में हमने देखा कि ऑनको प्रोडक्ट्स की भी डिमांड थोड़ी कम हो गई है। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि इंडस्ट्री का हाल इस समय ये है कि जो कोरोना रिलेटेड थेरेपीज हैं उन सब के प्रोडक्ट्स अभी भी ठीक चल रहे हैं, तेजी में हैं, लेकिन बाकी सब प्रोडक्ट्स में थोड़ी सी मंदी आ गई है। और उसकी एक वजह ये भी है कि उन बाकी प्रोडक्ट्स में थोड़ी ओवर स्टॉकिंग हुई थी, जो हमने भी खुद एक्सपीरियंस करा। हमारे आइबुप्रोफेन में जब कोरोना शुरू हुआ था तो हमारे जो कस्टमर्स हैं ओवरसीज, उन्होंने काफी ओवर स्टॉकिंग करी थी। ठीक बात है, लेकिन साथ ही में आपका केमिकल सेगमेंट जो है वो बड़ा मजबूत है, उसकी तो रेवेन्यू भी काफी दमदार बढ़कर आई है। वहां पर क्या सिचुएशन है, क्या उतनी ही तगड़ी डिमांड वहां पर अभी भी बरकरार है सर? जी हाँ, तो हमारा केमिकल्स का सेगमेंट आवाज है। लगता है चतुर्वेदी साहब से हमारा संपर्क थोड़ा ठीक से नहीं हो पा रहा है, हम फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे भी कि कंपनी की आगे की योजनाएं क्या है और किस तरह का आगे एक्शन हो सकता है। IOL केमिकल्स ये कंपनी है जो आज न्यूज पर व्यूज में हमारे साथ है। इस बीच बाजार फिर से निचले स्तर से रिकवर होते हुए दिख रहे हैं, पहले सपोर्ट लेवल यानी कि 17,500 पर ही रुक गए, 17,510 का लो बनाया। तो सुबह हम यही बात कर रहे थे 17,500 भी टूटना मुश्किल है आज गैप से खुलने के बाद, 17,500-17,575 की रेंज को होल्ड करके दिन के बीचों बीच में आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस बीच बैंक निफ्टी कमाल करता हुआ दिख रहा है, इस रनअप का नया हाई बनाया है इंट्राडे में बैंक निफ्टी ने, वो है 37,140। उसके पार निकलता हुआ तो बैंक निफ्टी 37,100, उसके बाद 37,225 का लेवल है, फिर 37,300 का है। चतुर्वेदी साहब हमारे साथ हैं। सर माफ कीजिएगा, बीच में आपसे संपर्क टूट गया था, बताएं सर आप केमिकल सेगमेंट की डिमांड के बारे में बता रहे थे। हाँ, तो केमिकल्स की डिमांड काफी स्टेबल है और उसमें हमें अच्छी ग्रोथ भी मिली है, और मोस्ट ऑफ दैट ग्रोथ जो आई है वो वॉल्यूम तो खैर हमने थोड़ा सा बढ़ाया है अबाउट 7-8%, बट रियली जो ग्रोथ आई है वो प्राइसिंग की वजह से आई है। जो केमिकल्स का बिजनेस होता है उसमें जो प्राइस होता है रियली रॉ मटेरियल से डिटरमिन होता है, और जब रॉ मटेरियल का भाव बढ़ता है तो एंड प्रोडक्ट का भाव भी बढ़ जाता है। तो उस वजह से हमारा बिजनेस ने अच्छा करा है और हमें उम्मीद है कि इस क्वार्टर में भी अच्छा रहेगा। तो ये आपके लिए कम से कम केमिकल सेगमेंट एक अच्छा है, लेकिन आपकी कंपनी जिसके लिए जानी जाती है आइब्रूफेन, इस प्रोडक्ट से पहचान भी है आयल केमिकल के, इसके बारे में बताएं सर यहाँ पर क्या सिचुएशन है? आइब्रूफेन में ओवरऑल थोड़ी मंदी आई है मार्केट में पिछले 1.25 साल में, और उसकी मेन वजह ये है कि एक यूरोपियन डॉक्टर्स के ने रिपोर्ट पब्लिश करी थी कि आइबुप्रोफेन कोविड मैनेजमेंट में उतना बेहतर प्रोडक्ट नहीं है। कुछ महीनों बाद वो रिपोर्ट गलत साबित हुई तो उसको रिट्रैक्ट कर लिया गया, लेकिन उसकी वजह से थोड़ा बहुत दबाव आया डिमांड पे। तो फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में हमारी डिमांड मंदी रही है, Q3 और Q4 में हमें उम्मीद है कि ये डिमांड वापस आएगी, और हमारे कस्टमर जैसे कि हमको संकेत दे रहे हैं उसके हिसाब से Q3 और Q4 में हमारी डिमांड अच्छी रहेगी आइबुप्रोफेन। ओके, तो ये है आपके लिए डिमांड आउटलुक पूरी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद चतुर्वेदी साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और कंपनी की प्रोडक्ट्स के बारे में और आउटलुक के बारे में हमारे दर्शकों को बताने के लिए। संजय चतुर्वेदी साहब यहाँ पर आयल केमिकल्स के CEO हमें जानकारी देते हुए। बाजार मजबूत है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, और बैड बैंक से रिलेटेड हो सकते हैं ऐलान आज शाम को वित्त मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बैंक निफ्टी देखिए नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, 37,100 के पार। यहां पर अब पिछले कुछ मिनटों में जो तेजी आई है, जो रिकवरी आई है इस ऐलान के बाद, और सबसे पहले जी बिजनेस आपको बता रहे कि आज की वित्त मंत्री जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस चीज पर हो सकती है।
इसमें इस बात का ऐलान हो सकता है। उसको देखकर बैंकिंग शेयरों में जोश आता हुआ दिख रहा है। अभी अभी जय भी कह रहे थे आज प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बढ़िया तेजी बनती दिख रही, तो एक तो टेलीकॉम सेक्टर के रिवाइवल के संकेत और दूसरा बैड बैंक की खबरें, ये दो बड़े ट्रिगर्स हैं सरकारी बैंकों के लिए जिन पर आपको रखनी है नजर। विदा लेने का वक्त है। वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, जय ठक्कर साहब, किरण जी और साथ ही साथ और कौन बचे हमारे, सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। लेकिन दोपहर के शो में बिल्कुल समय से आप सब लोग उपस्थित हो जाएं, क्योंकि आज है वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी का दिन, ढेर सारा काम है, ढेर सारा एक्शन है और शाम को 5 बजे वित्त मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस पर भी पूरी नजर रहेगी। तो उन सबके लिए आप सबसे फिर से मुलाकात होगी। दीप और मुझे दीजिए इजाजत और हर रोज की तरह शो का समापन देश के प्रति सम्मान के साथ। जय हिंद।